Smoking causes cancer. Smoking kills. புகைப்பிடித்தல் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொல்லும். Consumption of alcohol is injurious to health. மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு கேடு. Be safe, don't drink and drive. பாதுகாப்பாக இருப்பீர், மது அருந்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டாதீர். வெள்ளை உள்ளம் படைத்த கருப்பையா, நீ எங்கிருக்கிறாய் நண்பா? இப்படம் துவங்கும் போது நீ தோளாய் நின்றாய், நாங்கள் துவண்ட போது நீ தாங்கி நின்றாய், ஆனால் விளங்கும் போது நீ விலகிவிட்டாயே. நீ எங்கிருந்தாலும் உன் வாழ்த்துக்களுக்காக நாங்கள் ஏங்கி நிற்கிறோம். இப்படத்தை உமக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். வணக்கம். நன்றி மறப்பது நன்றல்ல இல்லைங்களா? அதனால் இந்த சினிமாவை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சிலருக்கு நான் நன்றி சொல்ல ஆசைப்படுறேன். முதலில் ஆர்கே செலுலாய்ட்ஸ் என்ற பட நிறுவனத்தையும் அலுவலகத்தையும் திறந்து வைத்த உலக நாயகன் திரு கமல்ஹாசன் அவர்களுக்கு நன்றி. ஆர்கே செலுலாய்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் முதல் படமான தெனாலி துவங்க முதல் காரணமாக இருந்த சூப்பர் ஸ்டார் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு நன்றி. ஆர்கே செலுலாய்ட்ஸின் இரண்டாவது படமான கூகுள் குட்டப்பா திரைப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை வெளியிட்ட திரு சூர்யா அவர்களுக்கு நன்றி. டீசரை வெளியிட்ட திரு சிவகார்த்திகேயன் அவர்களுக்கு நன்றி. ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் பொம்மை பொம்மை லிரிக்கல் சாங்கை வெளியிட்ட இசை புயல் திரு ஏ ஆர் ரஹ்மான் அவர்களுக்கு நன்றி. செகண்ட் சிங்கிள் அலை அலை லிரிக்கல் சாங்கை வெளியிட்ட இயக்குனர் திரு வெங்கட் பிரபு அவர்களுக்கு நன்றி. ட்ரெய்லரை வெளியிட்ட திரு எஸ்டிஆர் சிலம்பரசன் அவர்களுக்கு நன்றி. மூன்றாவது சிங்கிளான யாரோ யாரோ பாடலை வெளியிட்ட உலக இயக்குனர் திரு ராஜமௌலி அவர்களுக்கு நன்றி. நான்காவது சிங்கிளான சூரத் தேங்காய் பாடலை வெளியிட்ட திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு நன்றி. மற்றும் கூகுள் குட்டப்பா திரைப்படத்தை வெற்றி படமாக்க உதவ போகும் பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களுக்கும் அனைத்து சினிமா ரசிக பெருமக்களுக்கும் என்றென்றும் நன்றியுடன் K.S. Ravikumar. आपकी कंपनी के बारे में बहुत सुना है। ऊपर वाले के आशीर्वाद से अब से तुम्हारी जिंदगी परफेक्ट होगी। रोबोट तुम्हारे सारे कमांड सुनेगा, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। I think something is not right. We have to stop this delivery now. आप रिसेप्शन पे वेट कीजिए, हम फॉर्मेलिटीज खत्म करके आपको बुलाएंगे। प्लीज जी। सर सर, वी हैव टू स्टॉप दिस डिलीवरी नाउ। काफी ऐसे डेटा है जो हम फीड कर रहे हैं पर एक्सेप्ट नहीं हो रहे। इन सब एरर्स को फिक्स करके डिलीवरी करना बेहतर होगा। हमारा दिमाग खराब हो गया क्या? हम पहले ही डेडलाइन से एक महीना पीछे चल रहे हैं, और कितना इंतजार करें? वैसे भी ये 6 महीने के लिए ट्रायल पीरियड है, उसके बाद भी कोई एरर रहा तो हम वापस लेकर उसे ठीक कर सकते हैं, फिर नया वर्जन रिलीज कर देंगे। व्हाट इज द इशू ऑन दैट? इशू है सर, अगर कमांड लेने के बाद कोई गड़बड़ हो गई तो इंसान की जान भी जा सकती है, कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा रिस्क हो जाएगा सर। जब इसे लोगों के बीच जाने देंगे तब गलतियाँ पता चलेंगी, तभी हम इसे परफेक्ट बना सकेंगे। Bye.
मैं अब तक 3 कंपनीज में इंटरव्यूज क्लियर कर चुका हूँ, पर एक भी कंपनी से मुझे ऑफर लेटर नहीं आया। आपकी फीस तो मैं आपको टाइम से दे रहा हूँ। ये देखो, मैंने तुम्हें एक हफ्ते पहले एक अपॉइंटमेंट लेटर भेजा था। ये सुब्रमणि कौन है? वो तो मेरे पापा हैं। उन्होंने साइन करके लेटर भी ले लिया। वो कितनी बड़ी कंपनी है जानते हो? अगर तुम्हें ज्वाइन करने में दिलचस्पी नहीं थी तो इंटरव्यू भला क्यों दिया? तुमने अपॉइंटमेंट लेटर लेके भी ज्वाइन नहीं किया तो अब वो कंपनी मुझसे सवाल पूछे जा रही है। सबके ऐसी किस्मत नहीं होती है। तुम इंजीनियरिंग में टॉपर रह चुके हो इसलिए उन्होंने तुम्हें सिलेक्ट किया था, लेकिन तुमने इस मौके को बहुत हल्के में ले लिया। ये सच नहीं है। तुम्हारी वजह से हमारा नाम खराब हो रहा है। सर, आई एम रियली सॉरी सर, वो लेटर गलत हाथों में पड़ गया। सर, मेरा एम्बिशन है फॉरेन जाकर किसी बड़ी कंपनी में काम करना। प्लीज सर, थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मैं ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, मैं उनसे बात करके तुम्हें 2 दिन की मोहलत दिलवाता हूँ। ओके सर। तब तक ज्वाइन कर लेना। जरूर सर। हे मेरे गणेश जी, मैं अपने भांजे के लिए आपको ये नारियल चढ़ाता हूँ, उसका हर सपना पूरा कीजिए। ये उसकी तरफ से। ये चिंदी चटनी बनाने के लिए नारियल फोड़ता है और कहता है भगवान का चढ़ावा है। मामा, और कितना इंतजार करना होगा, चलो ना जल्दी। अरे रुकना बप्पा, मुझे एक और डाउट है। बप्पा, पिछले 30 सालों से जब भी मैं अपने जीजा से मिलने जाता हूँ मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगता है, क्या आप मुझे इसकी वजह बताएंगे? भालू मामा, उसकी वजह मैं बताऊँ? तो जल्दी बता। हमेशा सुब्रमणि अंकल बोलते हैं, तुम सुनते हो, पर आज पहली बार ऐसा होगा कि तुम बोलोगे और वो चुप रहेंगे। लेकिन क्या भरोसा, वो चुप रहे पर उनकी चप्पल बोले। ए चूजे, तुझे मसल कर मैं कौवे को खिला दूंगा। दीदी, अरे कुछ नहीं जानू, मैं ऐसे दूध पिला रहा था। अरे पी लेना बेटा। ऐसे ही डरते रहना घोसले वाले मामा। अब चलो भी मामा। पापा रक्षा करो। देख भांजे, तू अपनी खटारा बाइक से परेशान है और तुझे नई गाड़ी चाहिए तो मैं तेरे बाप को बोल दूंगा। अगर तुझे किसी लड़की से प्यार हो गया है और शादी करना चाहता है तो भी मैं तेरे बाप को समझा दूंगा, पर काम के लिए गाँव छोड़कर जाने की बात उनसे कहूँ तो वो मेरे टुकड़े कर देंगे। जानता नहीं है उन्हें। टेंशन मत लो मामा, मैं संभाल लूंगा। तू मुझे संभालेगा जब वो मुझे धोकर आधा कर देंगे। सुनो ना मामा, ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बस आप ही उन्हें मना सकते हो। प्लीज मामा, मना लो ना, आज शुभ दिन पे आए हो, मेरे साथ चलना ही होगा। भालू मामा, आते वक्त गणेश की दुकान से मेरे लिए गरम गरम अंडा पाव लेते आना ना। किसी और की नहीं, उसी की दुकान से ना। उसकी दुकान का टेस्ट ही होता है। अरे कुछ नहीं जानू, मैं तो बस इसे विभूति लगा रहा था। काला टीका भी लगा दो। हाँ, टीका भी लग गया। दे दे। क्या दीदी दीदी करता रहता है हमेशा? जी करता है तुम दोनों को पीट के भरता बना दूं। भांजे देख कितनी गालियां बरसा रही हैं। पनौती वाला दिन है, कल जाकर तेरे बाप से बात करेंगे। क्या बोल रहे हो मामा, कल पहुंच के ज्वाइन करना है। तू ऑफिस ज्वाइन करेगा और मैं परलोक ज्वाइन करूंगा। अरे बाबू भैया, कहीं मत जाइए, आज का दिन पनौती वाला है। देख एक और पनौती आ गई। ए, हम क्यों ना जाए? देखो मेरे कान से कितना खून दे रहा है, बर्फ बर्फ है तो दोनों। ए, बर्फ का गोला यहाँ का है, जाओ वहाँ दुकान पर। कैसे हुआ एक बार पूछोगे भी नहीं? बताना चाहिए। अरे मामा तुम रुको ना, ए तुम जाओ, तुम्हारे हालचाल कर लेंगे। पूछोगे ना? कल का क्या भरोसा है यार, 7 बार मरते मरते बचाऊं, क्या पता 21 में वापस लौटता हूँ कि नहीं। मेरी जिंदगी दांव पे लगी, मामा कस के पकड़ के बैठना। कस के तो तेरा मत जाना। मुझे पकड़ने का, अब चल। अरे ये लो, अरे जल्दी दो। आराम। क्या हो गया भैया? अरे छोटू, वो मेरे बचपन का दोस्त है ना राहुल, जिसकी चौराहे पे राशन की दुकान है, उससे आज मैं मिलने गया था। यार राहुल, स्कूल के दिन भी क्या दिन थे ना, तेरा उन लड़कियों के साथ छेड़खानी करना याद है ना तुझे? हाँ याद है। अभी शादी के बाद शर्मा रहा ना तू? आशिकी में तू बिल्कुल तेरे बाप गुटप्पा पे ही गया है, लेकिन तेरे अंदर की ठरक में वो बात है ही नहीं। तेरा बाप तो अव्वल दर्जे का ठरकी था। क्या हो गया तुझे? डॉक्टर को बुलाऊं क्या? तू किस कान से ज्यादा अच्छे से सुनता है? कान? इस कान से अच्छा सुनाई देता है। अच्छा। उसके बाद ही मुझे पता चला कि उसके बाप के बारे में बात करो तो पगला जाता है। तो ये बात है, मेरे पास भी 2 कान है कुर्बान करने को भैया। अब मैं दिखाता हूँ। अभी से काटने की आवाज सुनाई दे रही है, ना जाने किसे काट रहा है तेरा बाप, और गेट भी यूं ही खुला हुआ है। कहाँ है वो? बाप रे,
भांजे पिछली बार तो मरते मरते बचा, इस बार तो कुल्हाड़ी भी आपने। कैसे भी जाके उनसे बात करो ना मामा। जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कभी सूरों को जाकर। क्या जीजू? हाँ बोल। क्या कोई काम नहीं है जो लकड़ियाँ काट रहे हो? मेरा काम तुझ जैसे निकम्मे को जवाब देना नहीं है, हट जा वरना चोट लग जाएगी, फिर मत कहना बताया नहीं था। अच्छा जीजू, एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? पूछो। वैसे तुम्हारे सवाल बेतुके ही होते। क्या जीजू? और क्या, तुमने समझदारी का सवाल कभी पूछा है? पूछो। अच्छा जीजू, मानो किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर ली तो उसे आगे क्या करना चाहिए? उसे धीरे धीरे अपने सारे मरीजों को मार डालना चाहिए। जीजू आप भी ना, डॉक्टर गया तेल लेने, अगर किसी बच्चे ने अपना कॉलेज पूरा कर लिया तो उसे क्या करना चाहिए? अरे तो ये सवाल उस बच्चे से पूछना, मुझ जैसे गंवार से क्यों पूछ रहा है? ढक्कन ढक्कन मुझे कह रहे हो और गाय को बस दो मुट्ठी भूसा दे रहे हो? तेरी तो मुझसे मजाक करता है। अरे 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 बस बहुत हो गया, अब मैं एक पल भी नहीं रुकूंगा यहाँ। ज्यादा ही बढ़ गई है। किसके बारे में बोला आपने? देखो ना बंदरों ने क्या हाल किया है मिठाई का, और क्या करेगा। सुनना, तू कुछ मुझसे पूछने आया था ना, क्या हुआ? ओ वो तो मैं भूल ही गया। जीजू जरा मेरी नजर तो उतारना। ये ले, उतर गई। जीजू सवाल आपके बेटे की जिंदगी का है, हाँ तो राय देने से पहले मेरी इज्जत का ख्याल रखना। तेरी इज्जत? हाँ, मेरी इज्जत। उसे लगता है कहाँ है वो? देखो वहाँ छुपा है तुम्हारे डर के मारे। ए बाहर आ, जो डर गया समझो मर गया। अरे तू वहाँ छुप कर क्या कर रहा है, बाहर आना है तो तुझे ये इज्जतदार दिखता है। निकालता है मतलब मैं गया काम से। ये सिर्फ शरीर से बड़ा हुआ है। क्या जीजू पूजा करने जा रहे हो? हाँ पूजा भी करूंगा और प्रसाद भी दूंगा। पड़ने वाला है, आ जा खिलाता हूँ ना प्रसाद। अचानक इतना प्यार क्यों जता रहा है? सही बाप रे, रीति रिवाज के साथ देना होता है। हाँ इज्जतदार क्या कहना था तुझे? जीजू कुछ नहीं, वो बोलना डरता क्यों है? जीजू ये एक अच्छी सी नौकरी करना चाहता है जिसके लिए इसने मेहनत से पढ़ाई की है, कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के विदेश में बस जाना चाहता है, इसकी बैंगलोर में एक नौकरी भी लग गई है। ये सारी बातें ये आपसे कहने से डर रहा था, इसलिए उसने मुझे कहा कि मैं आपसे बात करूं। मैं तो कह रहा हूं सारी जायदाद मेरे नाम करके आप इसके साथ बैंगलोर शिफ्ट हो जाइए, क्यों सही कहा ना? अरे ये इतनी सी बात कहने में इतना हिचकिचा रहा था। तो तू चाहता है कि मैं अपना गांव छोड़कर शहर रहने चला जाऊं, है ना? और वो भी अपनी सारी जमीन जायदाद तेरे हवाले करके। फिर से बोल क्या बोला था? अबे बोलना बोलना क्या कहा था अभी? ये गेंडा आठवीं बार बच गया। अरे आदि यहाँ चला जा, बैठ जा यहाँ। ऐसे सोच क्या रहा है, बैठ जा मिर्ची पर, कुछ नहीं होगा। तू किसी भी ढक्कन को अपने बारे में बात करने के लिए उठा लाता है, हैं? अपने बाप से खुद क्यों नहीं बात करता? आज के बाद जो भी बात होगी तो खुद आकर मुझसे बात करेगा, समझ गया? जी। और बोलने की जरूरत ही क्या है, मैं जो कहता हूँ वो कर। तू यहीं पर रहकर अपने लिए सुबह 10 से शाम 6 बजे तक की नौकरी ढूंढ ले, भले ही उसके लिए तनख्वाह कम मिले तो भी चलेगा। तूने जो पढ़ाई की है चाहे उससे जुड़ी नौकरी हो या फिर ना हो, ठीक है? ऐसे चुपचाप बैठा हुआ है जैसे मुंह में दही जमी है। ठीक है बंदर जा। कविता मौसम सुहाना, दिल गाने का तराना। छोटू। हाँ भालू मामा। क्या रे मनी मन क्या बोल रहा है? हाँ मैं मनी मन कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर? मैं गिनती कर रहा हूँ। आजकल दुकान में ग्राहक कम आ रहे हैं क्या? दुकान की छोड़ो, आपकी इज्जत दाव पे लगी है। इज्जत दाव पे लगी है? वो जो राशन की दुकान वाला राहुल है ना, बताओ उसकी इस गांव में कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स है, और इतना ही नहीं पड़ोस के गांव में भी उसकी गर्लफ्रेंड्स है। वही कब्ज जैसी शक्ल वाला राहुल, उसी की बात कर रहा ना? वही राहुल मामा। हाँ मेरे साथ। क्या राहुल की बीवी को उसके लफड़ों के बारे में पता है? नहीं मामा। अब तो देख कैसे उसकी बैंड बाजा बारात निकालता हूँ, तू मेरे पीछे बैठ जा। इस गांव का लव गुरु मैं हूँ और वो मेरा ही पत्ता काटेगा। उसका घर कहाँ है तू जानता है ना? हाँ मामा, कब्रिस्तान के बगल में। मामा आज अपना एकदम एक्शन स्टार लग रहे हो। हाँ पता है, बचपन से ही ब्लैक बेल्ट हूँ। देखो मामा राहुल कैसे चावल की बोरियां जमा रहा है, लूबीना की बर्थडे पार्टी के लिए होगा। अभी निकालता हूँ इसकी आशिकी, तू बस देखते जा छोटू। अरे रे रे, माफ करना बाबू भैया, माफ करना। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ, मुझे बुलाते मैं ही आ जाता। मैं किसी को नहीं बुलाता हूँ। अंदर आएंगी क्या? चलना। आइए ना आइए ना, सपने में भी नहीं सोचा था कि आप आएंगे, आइए बैठ। सपनों से जाग जा, मैं आ गया। अरे वहाँ नहीं, वहाँ क्यों बैठ गए? अब तू यहाँ बैठ जा। आपके सामने मैं कैसे बैठ सकता हूँ? फिरी की इज्जत दे रहा हूँ, ले ले। ठीक है, पर शर्म आ रही है। राहुल हाँ, मेरी पर्सनालिटी के बारे में कुछ बता। क्या बताऊँ, आपके जैसा दिलेर डेयरिंग हैंडसम लड़का पूरे गांव में नहीं है। तो बताना ये सब। हाँ कॉलेज के दिन याद आ गए, सारी सुंदरियाँ आप पे मरती थी। सच है तो तेरी गर्लफ्रेंड ज्यादा होनी चाहिए या मेरी गर्लफ्रेंड ज्यादा होनी चाहिए? आपकी होनी चाहिए। तेरी गलती है ना, तो मार थप्पड़ खुद को। देखा आगे जा रहे हो मामा, लगे रहो। ये सब तेरी दीदी को बताना। अभी इसको संभालो, भूलना होगा।
बहुत बड़ी गलती हो गई। गोल गोल बात करना नहीं आता, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। छोटू पेन पेपर दे, लो सारी गर्लफ्रेंड्स का नंबर बता। सारी गर्लफ्रेंड्स का? हाँ। हिंदी समझ में आती है ना? आती है ना। मेरे साथ मजाक कर रहा है तू? मैं मजाक कर रहा हूँ? तूने रुबीना के बर्थडे के लिए चावल की बोरियां रखी है ना बाहर? रुबीना बोरिया बर्थडे, ये सब क्या है? आपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है तू? मामा हा? कान बचा लो अपना। तू भी अपने बाप कुट्टप्पा जैसा ठरकी निकला। हा? क्या हुआ इसे? कहाँ जा रहा है? ये लुंगी उठाकर दरवाजा बंद करने जा रहा है। ए राहुल, दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? शायद गर्लफ्रेंड के नंबर सीक्रेट में देना चाहता है, इसलिए दरवाजा बंद कर रहा है। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही मामा। आवाज़ नहीं आ रही है? मतलब हुआ क्या है राहुल? शायद बीवी से छुपा कर नंबर देने वाला है। राहुल खिड़कियाँ भी बंद कर ले। मैं उस टाइप का नहीं हूँ राहुल। मेरे बाप का नाम क्या बताया तूने? तुम्हारे बाप का नाम तो कुट्टप्पा है। क्या कुट्टप्पा मेरा सगा बाप है? अब कैसे बताऊँ, सिर्फ तुम्हें नहीं पूरे गांव को इस बात पर शक है। मेरे कहने का मतलब है, वो जो एक छोटा सा मोटा सा आदमी, वही तुम्हारा बाप कुट्टप्पा है ना? ये डेल, जिस आदमी को मैं मारने को तरस गया हूँ, तूने उसका नाम ले लिया। उसका नाम सुनते ही मेरी खोपड़ी फिर जाती है, तुझे पता नहीं है क्या? नहीं पता है। किस कान से तू अच्छा सुन सकता है? बाएं कान से सुनता हूँ। अच्छा, दूसरा कान भी काट दूंगा। सुनना आदि, काफी दिन हो गए हमें साथ में चेस खेले हुए, आ खेलते हैं, कहाँ जा रहा है? आप ही ने तो कहा था अपने लिए 10 से 6 वाली नौकरी ढूंढ लो, बस वही ढूंढने जा रहा हूँ। हाँ मामा। अरे आदि कहाँ चले गए, कहाँ हो तुम? इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। तेरे पापा बेहोश हो गए, जल्दी घर वापस आ। मामा ये क्या कह रहे हो? अरे तो घर आना। भैया गाड़ी रखो। अरे डॉक्टर और जोर लगाइए, हवा अंदर नहीं भर रही है। ओहो हो, सुब्रमणी तेरा शुगर और बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। महंगाई की जैसे क्या? मजाक छोड़, कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। सवेरे कुछ खाया कि नहीं, या फिर अब तक खाली पेटी हो? सुनो ना। हाँ, वो जो काढ़ा हम लोग कोरोना टाइम में काली मिर्च वाली पीते थे, जरा खौला कर ले आओ। ठीक है लाता हूँ। यार ये कहाँ फंस गया है, निकल ही नहीं रहा है। क्या कर रहा है, मेरी शर्ट है वो। ये डॉक्टर, आप पक्का डॉक्टर ही हो ना? आपको ब्लड प्रेशर चेक करना नहीं आता? चुप कर, मैं पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ। पता नहीं डॉक्टर है या कंपाउंडर। ए, इस तरह तुम दवाई क्यों बर्बाद कर रहे हो डॉक्टर? ओए सुब्रमणी, वो हमारे में रिवाज होता है। दवाई को सीधा नसों में डालो, 1 महीने की दवाई को पूरे 6 महीने में खत्म करते हैं। ऐसे कंजूस है ये? तू तो दानवीर कर्ण है। मैं तो फटीचर हूँ। ये काढ़ा मेरे लिए नहीं, इस सूखे किशमिश को दे दो। कब से खांसी? पर बीमार तो तुम हो। काढ़ा और मेरे लिए, क्या बात है। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। ओ डॉक्टर, आप इनका इलाज करने आए या खुद का इलाज करने आए? बड़े बदतमीज हो डॉक्टर। ओए चुप कर, मैं पढ़िया लिखा डॉक्टर। हाँ, खुद को कहते तो डॉक्टर हो पर दिखते मरीज हो। ओ सूखे पापड़, जल्दी से घटक लो, नहीं तो ये काढ़े के पैसे ले लेंगे। जा रहा हूँ जीजू। अब जाकर गला ठीक हुआ है डॉक्टर। पापा का बीपी ठीक तो हो जाएगा ना? देखो बीपी जो है सिर्फ दवा देने से ठीक नहीं हो पाएगा, तुम्हें उनकी तन मन से सेवा करनी होगी। कैसी सेवा डॉक्टर, इसकी शक्ल देखते ही उनका बीपी बढ़ जाता है। तेरी मनु शक्ल देखेंगे ना तो बीपी कभी ठीक नहीं हो पाएगा। थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखेंगे? बेटा आदि, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ, तुम अपनी नौकरी की तलाश में हो। पापा की उम्र बढ़ती जा रही है और घर का सारा काम वो खुद अपने हाथों से करते हैं। उन्हें आराम से बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यहाँ तक के वो अपनी दवाइयाँ भी टाइम पर नहीं लेते। अगर बेटा ऐसा ही चलता रहा ना तो ये उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर अब मुझे क्या करना होगा? अरे आदि, इनसे क्या पूछ रहे हो, बच्चे की तरह कसके बांधो और दवाइयाँ खिला दो। क्यों, सही कहा ना डॉक्टर? तेरी शक्ल ही नहीं, तेरी जुबान भी मनहूस है। जब मुंह खुलता है ना तो मेरा ही बीपी 160 हो जाता है। हंस क्यों रहा है? आपकी शक्ल बिल्कुल उल्लू जैसी लग रही है, अब तो बिल्कुल बंद है। तेरी तो रात को देसी पी थी ना, अभी तक बास आ रही है। जाए यहाँ से और भाग जा मेरा। अरे अरे डॉक्टर, मुझे पापा की हेल्थ की टेंशन हो रही है, इसका कोई सलूशन है क्या? मेरे दिमाग में एक आइडिया है, उनकी सेवा के लिए होम नर्स रख लो। डॉक्टर हमें किसी होम नर्स की क्या जरूरत है, अरे कोई गांव का मुस्टंडा ले आते हैं जो उनकी दवा दारू करता रहेगा। ओए, होम नर्स वो होती है जो 24 घंटे मरीज के साथ रहती है, उसे टाइम पर दवा देती है, हेल्दी खाना खिलाती है। आई बात तेरे पेजे में, नहीं आई तो आया सेंटर में फोन कर ले। अच्छा माल बनाएंगे आप कमीशन से। मामा क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें? डॉक्टर आप बताइए। देखो
तुम और तुम्हारे पापा अगर शांति से रहना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, ये मनुष्य का साया इस कार पे नहीं पड़ना चाहिए। समझ गए? मामा इन्ने योजित रखेंगे? इल्ला ओमलिया वाला नर्स नल्ला गुम्मुन इरुकनो अदा योजित रखेंगे। पापा अरे ये कौन है? अरे जीजू कैसी लगी मेरी पसंद? देख बेटा अगर तेरा इरादा कुछ ऐसा था तो मुझे पहले ही बता देता। अरे नहीं पापा आप गलत सोच रहे हैं। अरे स्वीटी पापा कल आपको बताया तो था। अरे जीजू ये इसकी नहीं मेरी पसंद है। अरे वाह यानी एक से तेरा दिल नहीं भरा तो तू दूसरी को लेके आ गया। अरे जीजू मेरे लिए नहीं आपके लिए लाया हूँ। तू कहना क्या चाहता है? जीजू मैं एक होम नर्स के हिसाब से इसे लाया हूँ आपकी सारी जरूरतों को पूरी करने के लिए। कुछ भी कहने से पहले सोच लिया कर। हाँ, सोचूंगा। आज रात आप का पसंद कर बू? अरे क्या बात? क्या कहा तुमने? वो पापा पूछ रही रात में खाने में क्या खाएंगे। जो मर्जी बना लो खा लूंगा। चलो किचन में रात में क्या करना है बताता हूँ। उस तरफ मेरा बेडरूम है। हम तब वहाँ जाएंगे जब ये नहीं होंगे। सोचना भी मत मार डालूंगा। अब जो भी कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। हमारे यहाँ दिल की भाषा समझी जाती है और दिल तक पहुँचने का रास्ता पेट से होकर जाता है, इसलिए खाना बढ़िया बनाना है? अच्छा यहाँ चावल की बोरियाँ रखी है, जितना चाहे हिसाब से ले लेना। मामा मैंने कितनी बार तुम्हें तुम्हारे बाप से बचाया, जरा इसके सामने मेरी तारीफ तो कर दो। अरे बोलना। हेलो एक्सक्यूज मी, ये है मेरे मामा और आप इन्हें चेटा बुला सकते हैं। अरे क्या बकवास कर रहा है, कुछ अच्छा बोल। मामा चेटा मतलब जो दिल के बेहद करीब हो। ऐसा क्या? हाय मैं हूँ चेटा, किचन उस तरफ है, आओ हम दोनों साथ मिलकर बर्तन धोते हैं। वैसे ये है तो किचन पर किसी भंगार की दुकान से कम नहीं। जीजू ने कल रात के बर्तन नहीं धोए हैं। अच्छा आप लोग अभी रहने आए हैं का? मिक्सी ग्राइंडर वॉशिंग मशीन ये सब कब लाई बू? आवाज नीचे रखो जीजू सुन लेंगे। सालों से इनका किचन ऐसे ही रहा है, वो खाना भी बनाते हैं तो हाथ के पिसे हुए मसालों से, मशीनों को देखते ही वो भड़क जाते हैं। जीजा कहते हैं लंबी आयु के लिए पुराने तरीके ही सही होते हैं। अरे बस बस बहुत है। खाने का स्वाद तो बिल्कुल वैसा है जैसा पापा बनाते हैं। सही का सब मैंने ही बनाया है। ई हमनी के कुछ करे ही नहीं दिला, सब कुछ अपने ही पकावेला। हाँ पकाने में माहिर है। अच्छा आदि जी पापा इस लड़की को कितने महीनों से जानते हो? सिर्फ एक दिन से, एजेंसी से आई है। हाँ मैं जानता हूँ तू उस किस्म का लड़का नहीं है। किस किस्म का? अरे ये लड़की पेट से है। सुबह से 3 बार उल्टी कर चुकी है। सच में? ओह कांग्रेट्स। तो पापा आप क्या करें? अब हमें क्या करना है, एक गर्भवती से काम करवाएंगे तो पाप हमें चढ़ेगा। इसे कुछ पैसे दे दो और चलता करो। ठीक है पापा। माफ करी चेता। अरे भाई मैं कोई सेठ नहीं हूँ, काउंट है। मलयातल चेता ना अन्न नर्तो। ओ अन्न मोर कोंडा रिया तो यानके उन्नर आप्पो वही साग द करने। इन्ना माम्स गर्भमार्ग का लेन वर्त बोलेगा? அதெல்லாம் இல்ல. அட சொல்லுங்க மாம், பின்ன எதுக்கு குழந்தையாட்டம் கோயிச்சிட்டு இருக்கீங்க? டேய் ஊர்ல நீ மட்டும் மாம்ல, நானும் தானே ஆம்ல. ஏன் அந்த பொண்ணு கர்ப்பத்துக்கு நான் காரணமா இருக்க கூடாதா? கோப்ப அது கூட சந்தேகப்பட மாட்டாரு என் மேல. அட அது இல்ல மாம், யார் யார் எதுக்கு லாய்க்குன்னு எங்க அப்பாவுக்கு தெரியாதா? இந்த வீட்டுல ஒருவேளை சோறு தின்றதுக்கு 4 வீட்டுல பிச்சை எடுத்து தின்னா எடு, பிச்சை எடு, உனக்கு யார் போறதுன்னு பாப்போம். பிச்சை எடுத்தாலும் அதுலயும் பங்கா பேணி. घर में टीवी तक नहीं है कैसा? अब इनकी सुनो, मैडम को टीवी चाहिए टीवी। आज तक मेरे बेटे ने कभी टीवी नहीं मांगा, पर इन्हें टीवी देखना है। अपना काम ठीक से करती नहीं, सिर्फ फोन से चिपकी रहती हो, निकलो यहाँ से। अरे बुड्ढे तो मेरा फोन क्यों तोड़ दिया, तेरे साथ काम ही कौन करेगा? अरे ओ बुड्ढी तुझे उस बाल की दुकान ने भेजा है ना, तेरा काम भी उसके जैसा ही होगा, निकल यहाँ से, नहीं करवाना मुझे काम। अरे मेरी मति मारी गई थी जब तुमसे काम मांगने आई थी, मेरे पैसे दे दो। मैंने किसी अच्छे घर में नौकरी मांगी थी और तुमने तो मुझे एक बुड्ढे खोसट के यहाँ भेज दिया। मैं अगर खाली बैठूं तो आकर टोकते रहता है, इससे तो मेरी बहू ही अच्छी है, मुझे खाना भी देती है और चैन से सोने भी देती है। अम्मा माफ करो, गलती हो गई मुझसे जो तुझसे काम मांगने आई थी, कीड़े पड़े तुझे। खाते में लिख लेना। ठीक है। ए, क्यों हंस रहा है? ये सब तेरे बाप की वजह से हुआ है। मामा है? मैं तो खुशी के मारे हंस रहा हूँ। क्यों? मुझे फॉरेन में नौकरी मिल गई है मामा। अरे वाह
कंगना रिलेशन। अबे ओए, बड़ी बधाइयां दे रहा है मेरे भांजे को। हैं? चल निकल यहाँ से, चल। भैंस की पूंछ। ए, दुकान बंद कर। किस लिए? इसलिए मतलब जब इसके बाप से कहा ये शहर छोड़ना चाहता है तो वो मुझे मारने आया, अब फॉरेन बोलूंगा तो जिंदा ही जला देगा। ठीक है, तब तो मजा आ जाएगा फिर। मामा, मेरे बचपन का सपना है फॉरेन में जाके नौकरी करना। ये सुन, तेरा सपना है मेरी जान तेरे बाप के हाथ से जाए। हाँ, अभी मैं तुझे तेरे बाप का सपना बताऊं क्या? आ, अरे काकी, भानु, जरा एक मिनट रुको। बोलिए बाबू चाचा। देख इसे पहचाना? नहीं। अरे ये कुमार साहब की बेटी है, अच्छे खानदान से है। तेरे बाप का सपना है ऐसी एक लड़की ढूंढ के तुम दोनों की शादी करवा दे और अपने घर में ही रखे, समझा? क्या बात है, बोलिए। तेरा काम हो गया, जा। अब से तू ये मॉडर्न बनने का सपना छोड़, सीधी तरह धोती पहन और खेती में लग जा। पागल हो गए हो क्या? बड़ी हिम्मत है तुझमें, हिम्मत है ना तो सीधे जाकर अपने बाप से बात कर, ऐसे कर सकता है तू बात उनसे? पांव कांपते हैं तेरे, देख तेरा विदेश जाने का सपना सपना ही रहे तो अच्छा है, ये कभी सच नहीं होगा। सर, फिर मुझे इतना पढ़ा है क्यों? अरे ये सवाल किससे पूछना चाहिए, इसके बाप से ना, तो मुझसे क्यों पूछ रहा है? अरे भले इसके बाप से कौन सवाल कर सकता है। अब आइंदा से जब भी गरम चाय पकौड़े नाश्ता मांगा तो देख लेना। चिल्ला किस पे रहा है? अगर असली मर्द है तो सीधे जाकर अपने बाप से पूछ ले। चल निकल इधर से, जाओ से पूछ, चल जाना। बस खा पी कर सेहत बना रहा है डरपोक बिल्ली, घूर कर क्या दिख रहा है? ये आंखें अपने बाप को दिखाना। आया बड़ा विदेश जाने वाला, बाप के सामने तो हवा निकल जाती है और मुझे रौब दिखाता है, ये घूर कह रहा है जाकर जागी पूछ फुटवा ले डरपोक। आखिरकार जान बची। कितने गंदे हो भालू मामा, बाप बेटे को लड़वाते हो। ए, रिश्तेदार वही होते हैं जो रिश्ते बिगाड़ते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तू अपना मुंह बंद रख चूजे। क्या हो गया जो इतने गुस्से में? पढ़ाई पूरी किए हुए 4 साल हो गए, आखिर क्यों पढ़ाई की मैंने? मेरे सारे दोस्त फॉरेन जा चुके हैं, नौकरी बीवी सब मिल चुकी है, वो लोग सेटल हो गए हैं। तो तू भी शादी कर ले और बीवी के पीछे भागता रहे ना, किसने रोका है तुझे? पापा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। फिर क्या मतलब है तेरा? जर्मनी में मेरी नौकरी लग गई है और मैं जाना चाहता हूँ। तुझे जर्मनी जाना है और मैं यहाँ अकेले क्या करूँगा? आप भी मेरे साथ चलिए ना। जर्मनी चलूँ? मैं अपनी धरती छोड़कर 7 समंदर पार नहीं जा सकता, इस उम्र में उनकी भाषा कैसे समझूंगा? बेटा, उनके रहन सहन, खान पान, पहनावा सब कुछ हमसे बिल्कुल अलग है, उनके बीच में अपने आप को कैसे ढाल पाऊंगा? अब ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा, मैंने तुझे अच्छी तरह से पढ़ाया ताकि तू यहीं पर कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले या फिर खेती किसानी में मेरा हाथ बटाए, तू यही लोगों को नौकरी दे सकता है। फिर रोबोटिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई क्यों करवाई? इसलिए ताकि यहाँ बैठ के फसल उगाऊं। मैंने तुझे इसलिए पढ़ाया ताकि तू अपना ज्ञान बढ़ा सके, विदेश में जाकर गुलामी करने के लिए नहीं। मैं ना आपसे जमीन मांग रहा हूँ ना पैसे मांग रहा हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मुझे मेरी मनपसंद की नौकरी करने दें। आखिर आप अपनी जिद पे क्यों अड़े हुए हैं? जैसे कि तू जानता ही नहीं कि मैं इतनी जिद क्यों कर रहा हूँ। तू कोई बच्चा है क्या जो तुझे समझ में नहीं आ रहा है? अरे बचपन से तेरा ख्याल मैंने रखा, अब मेरा ख्याल रखने की बारी तेरी है। अगर तू ही मुझे छोड़कर चला गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? तेरी माँ जिंदा है क्या जो मेरा ख्याल रखेगी? चुप पापा, अपने मतलब के लिए मुझे क्यों तबाह कर रहे हैं? मेरी खुशी देखी नहीं जाती क्या? आज अगर माँ जिंदा होती ना तो मुझे कब का फॉरेन भेज चुकी होती। मुंह बंद कर दिया तूने मेरा, अब कहने के लिए बचा ही क्या? आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपके लिए मैं एक होम नर्स रखूंगा और अपना करियर बनाऊंगा, चलता हूँ। होम नर्स रखेगा मेरे लिए? तुम तो मुझे छोड़कर चली गई, बेटा साथ था पर वो भी जाने का मन बना चुका है, उसके पास तुम्हारी अस्थियों को बहाने तक का वक्त नहीं है और न उसकी मंशा है मेरा ख्याल रखने की। नौकरी के लिए विदेश जा रहा है, पता नहीं वो वहां से लौटेगा भी या नहीं। मेरे पैर में दर्द तो पहले से ही था, अब दर्द सीने में आ चुका है। अच्छा आंटी,
आपको पापा को सही वक्त पे दवाई और खाना देना होगा, ठीक है? ठीक है भैया, मैं अपने हाथों से ही मसाला बनाती हूँ, चिंता मत करिए, मैं उनका ध्यान रखूंगी। मिला दी जोड़ी, ठीक है। मामा, आपके भरोसे पापा को छोड़ के जा रहा हूँ, उनका अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? अब ये कोई ताजमहल है जो मैं इन्हें रोज देखने आऊंगा? और अगर मैं आ भी गया तो कौन सा मुझे अंदर आने देंगे? और तुम मुझे रोज फोन करके उनका हालचाल पूछने कहोगे? आ गए। पापा, आपको छोड़ के जा रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, पर मैं ये मौका भी गवा नहीं सकता। ठीक है, भगवान का भस्म लगा ले, अपना ख्याल रखना। जीजू, मैं भी भगवान का भक्त हूँ, मुझे भी टीका लगा दो। सिर्फ माथे पे क्यों, पूरे चेहरे पे लगा देता हूँ। बड़ा आया टीका लगाने। ये नहीं सुधरेंगे। यहाँ पर छोटी सी गलती भी मेरी नजरों से बच नहीं सकती, पता है ना? सर्किट बोर्ड की सप्लाई कम क्यों है? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? सॉरी सर, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। सुनो, तुम आदित्य हो ना? यस सर। तुम इंडिया में कहाँ से हो? मैं इंडिया में कोयम्बटूर के पास एक गांव है, वहां से हूँ। एक हफ्ते में ही यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सर। कीप इट अप। अपने कपड़ों का झोला और निकल जाए यहाँ से। जाहिल औरत, दोबारा कदम रखना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तो इसे गैस सिलेंडर चाहिए खाना बनाने के लिए, एलईडी टीवी चाहिए मैम साहब को, पलट के देखा तो आंखें नोच लूंगा। तेरे लिए उंगली चला लूं क्या बुड्ढे कहीं? चल निकल, तू निकल। समझ गई। हेलो, क्या ठीक है? ऑलराइट, चलो ब्रो। थैंक यू। तेरी गर्लफ्रेंड इंडियन है ना? मुझे यहाँ पे एक लड़की, अरे यार ये तो चली गई। या आई नो, राइट? हाय। यहाँ बैठ के रोज मुझे घूरती हो और ऑफिस में बात करने आओ तो मुझे इग्नोर करती हो। मैं अपने पापा को देख रही हूँ, आपको नहीं। पापा, देखो बात नहीं करनी है तो बता दो, चला जाऊंगा, पर ऐसे डरा क्यों रही हो यार? जब मेरे पापा जिंदा थे और उनका मन परेशान या उदास रहता था तो वो यहीं आकर बैठा करते थे मन शांत करने के लिए। उन्हें ये जगह बहुत पसंद थी
इस समंदर को देखकर उन्हें लगता था कि वो अपने श्रीलंका को देख रहे हैं। जब भी मुझे पापा की याद आती है और उनके साथ बिताए पल को मिस करती हूँ तो यहाँ आकर बैठ जाती हूँ। उस पल आसपास कौन है पता ही नहीं पड़ता। सॉरी। इट्स ओके। मेरा मन उदास हो जाता है, सोचती हूँ किसी के साथ बैठकर दिल की सारी बातें कर लूं, पर कोई सुनने वाला ही नहीं। तुम सुनोगी क्या? बिल्कुल सुनूंगा। अच्छा ये बताओ, तुम श्रीलंका से यहाँ कब आई? बॉम्ब्लास में मेरी माँ का देहांत हो गया था, मैं छोटी थी और पापा मुझे यहाँ लेकर आए, और पिछले साल हार्ट अटैक से उनकी भी। मेरा कोई नहीं है जिसे अपना परिवार कह सकूं। मैं बस यहाँ खुश रहने की कोशिश करती हूँ। अरे ये तुम हो क्या? बचपन में तो तुम बहुत क्यूट थी। अब नहीं हूँ क्या? अब तो भूत लगती हो। हाँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब क्यूट भूत लगती हो। अरे इस तरह बागीचे में कौन सो रहा है? हा? अरे ये तो अपना जीजा है। हा? जीजू 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 जीजू, ये अचानक क्या हो गया इन्हें? हाँ मामा। ए आदि, तेरे पापा को दिल का दौरा पड़ा है। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे सच कह रहा हूँ मैं, उन्हें अभी अस्पताल में भर्ती किया है। तो जल्दी से वापस आ जा। आ जा। तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे काम से यहाँ सब खुश हैं। यू आर अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स। यू आर पार्ट ऑफ माय फ्यूचर प्लान्स आदित्य। आई अंडरस्टैंड सर, बट मेरे पापा वहाँ अकेले हैं। ही नीड्स माय हेल्प। गुड, पेरेंट्स का ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन क्या उसके लिए नौकरी छोड़कर गांव में बस जाओगे, अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे? मे बी आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। की उम्र हो गई है, लगता है नहीं लेनी पड़ेगी। मामा मैं जर्मनी से आ गया और आप अब पहुंच रहे हैं। इतनी स्पीड ब्रेकर बना दिए कि कहीं पे वक्त ही पहुंच भी नहीं सकते। सॉरी आदि, वो क्या है ना, साड़ी और सलवार धोने में देरी हो गई। कोई बात नहीं मामा। वैसे अभी पापा की तबीयत कैसी है? अरे वो मरीज जैसे पेश आए तो ना, वो मिट्टी खोद रहे हैं, बगीचे में पौधे लगा रहे हैं। अरे ये क्या, इतने सारे बक्सों में मेरे लिए तोहफे लाया है तू? अरे पगले रुलाएगा क्या? अरे आदि बेटा, तू ना फोन किया ना खबर की, ऐसे अचानक आ गया? बस आपकी याद आ रही थी तो आ गया। बदल गया है तू। ठीक है अंदर चल, इन बक्सों में क्या है? सुन तू ये पकड़, मुझे दे, मैं ले चलता। मेरा गिफ्ट है। देना, मैं ले जाऊंगा। तुझे भी ख्याल नहीं रहता कि रुपयों का बक्सा किसे दे रहा है। जीजू मैं अब जा रहा हूँ। अरे तू ये बक्सा लेकर भाग जाएगा, ऐसा थोड़ी कह रहा। अरे तो दे दो। मेरा मतलब वो नहीं था। आदि कितने दिनों बाद आया है, चाय तो पी के जा। नहीं मैं अपनी दुकान में पी लूंगा। मुंह मत फुला आना, तू तो ऐसे पेश आ रहा है जैसे चाय का गर्म पानी मैं तेरे मुंह पे फेंकने वाला। बाद में मिलता हूँ। पापा पापा उठिए, मेरे साथ चलिए। क्या हुआ बेटा? चलिए ना, आपको कुछ दिखाना है। आदि बेटा। हाँ पापा। ये बता, विदेश से आने के बाद तू हमेशा चड्डी में ही क्यों रहता है? पापा, हाँ। ये चड्डी नहीं है, शॉर्ट्स है। अब शॉर्ट है या लॉन्ग है, तेरे बदन से चिपका हुआ है ये, यहाँ क्यों लाया? पापा। दिखाता हूँ। ये क्या है? हेलो मिस्टर
सुब्रमणी, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं रोबोट हूँ, मेरा नाम है किरण। मुझसे सुंदर हो जाएगा आपका जीवन। ये मशीन बात कैसे कर रही है? पापा, ये आपका नया होम नर्स है। होम नर्स है? हाँ पापा। पर मुझे होम नर्स की क्या जरूरत है? तू वापस आ गया ना? नहीं वो पापा, मुझे वापस जाना है। 12 तारीख की टिकट बुक हो गई है। ओह, 12 तक भी रुकने की क्या जरूरत? अभी के अभी निकल जा, जा पापा, जा यहाँ से। ये क्या, मैंने मना किया क्या? अब इन्हें कैसे समझाऊं? और हाँ, जब जाना यहाँ से तो इस खिलौने को भी साथ ले जाना। ओहो। पापा, आदि तू जाना, तुझे तो वक्त है नहीं मेरा ख्याल रखने के लिए। ढोंग करने के लिए यहाँ मशीन ले आया। पापा आप इसे मशीन मत समझिए, इंसान समझिए ना। इसे कोई भी काम दे के तो देखिए। कोई भी औरत हो या फिर मर्द हो, मेरा ख्याल नहीं रख पाएगा। पापा आप इसे एक बच्चा भी तो समझ सकते हैं। बच्चा समझूं? अरे मैं तो अपने ही बच्चे पर बोझ बन गया हूँ, इसीलिए तो वो मुझे अनाथ की तरह छोड़कर जा रहा है। अब मैं इस टिन के डब्बे के भरोसे रहूं? पापा आपको तो मिक्सी नहीं चाहिए, ग्राइंडर नहीं चाहिए, टीवी नहीं चाहिए, फोन नहीं चाहिए, आपको इंसानों से भी तकलीफ है और अब तो रोबोट भी नहीं चाहिए। ऐसे जिएंगे तो कैसे काटेंगे जिंदगी आप? अच्छी जिंदगी कटे इसीलिए पैसे बचाए। ये घर, ऐशो आराम, जमीन जायदाद इसलिए बनाए कि तेरी परवरिश अच्छी हो। ठीक है पापा, मैं यही रुक जाता हूँ। सुबह नाश्ते में डोसा बना दूंगा, दोपहर का खाना और रात को रोटी सब्जी बना दूंगा। शाम को अदरक वाली चाय और खारी बिस्किट तो भूल ही गया तू? कम। मैं आपके पीछे आता हूँ। आदि बेटा सुनना। क्या है? तेरा गुस्सा समझता हूं मैं बेटा। आदि तू मेरी बातों को दिल पे मत लिया कर। तुझे यहां से जब भी जाना है जा सकता है। थैंक यू पापा। जल्दी से जा और नौकरी से इस्तीफा देके वापस आ जा। तुम्हें तो हमेशा चिपक कर बैठने का बहाना चाहिए। पेट्रोल महंगा हो गया मालूम है क्या? आईने में चल भाग, इससे चिपक के बैठूं। पेपर, पेपर पढ़ने के लिए खरीदता है या नैपकिन के लिए? हमेशा गीला करके रख देता है, कितनी बार। गुड मॉर्निंग मिस्टर सुब्रमणी, ये रही आपकी स्पेशल कॉफी। अरे आदि, ये सफेद चूहा मुझे परेशान कर रहा है। जस्ट अ सेकंड। अरे पापा कॉफी पी के तो देखिए, इसकी कॉफी इंसानों से बेहतर है। थैंक यू। हाँ हेलो। हाँ सर बोलिए। मिस्टर सुब्रमणी कॉफी ठंडी हो रही है। फिर से अगर मेरे नाम से बुलाया ना तो मुंह तोड़ दूंगा। अपनी उम्र देख और मेरी उम्र देख, कहा तो था नहीं पीनी कॉफी तेरी। आपने ही नहीं कहा, सिर्फ उठकर चले आए। हाँ मेरा मतलब वही था। कॉफी दैट, अब इस कॉफी का मैं क्या करूँ? ऐसा कर, भून के खा ले। गलत कमांड, कॉफी को भून कर नहीं खा सकते। तुझे नहीं पता कॉफी भुनी ही होती है, इसे तूने बनाया है तू ही पी ले। रोबोट किरण कुछ खाता पीता नहीं है। मुझसे ऐसे बहस क्यों कर रहा है तू? अपनी औकात में रह। आदि इसकी जबान कितनी लंबी है, सुन रहा है? मेरे मुंह में तो जबान ही नहीं है, मैं कॉफी कैसे पीऊं? हाँ? ला मेरे सिर पे डाल दे। रोबोट अपने मालिक को कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकता। ऐ बुड़के सोचना भी मत, वरना सारे पुर्जे ढीले हो जाएंगे तेरे। हाँ? प्लीज ले लीजिए ना। तेरी कॉफी पिला दी भैंसों को, अब जा। रोबोट कैसा है, अंकल के साथ सेट हो गया? अभी तक तो नहीं, मेरा तो अच्छे से ख्याल रखता है। पर लगता नहीं पापा उसे अपनाएंगे। ये मिशन तो इम्पॉसिबल लग रहा है, पर देखते हैं। प्लीज मुमकिन कर दो और जल्दी वापस आओ। तुम्हें मिस कर रही हूँ। ओके बेबी, मिस यू टू, आई विल सी यू सून। इंग्लिश में एश। हाँ हाँ पता है, इतनी अंग्रेजी आती है मुझे। जिस लकड़ी से कल हमने खाना बनाया था ये राख उसी की है, इसे यहाँ डालते हैं ताकि पेड़ों को खाद मिल जाए। कॉफी दैट। देखा आपने, ये कितनी जल्दी सीख जाता है, एक बच्चे की तरह। तू लाया तो था इस बच्चे को मुझे संभालने के लिए, अब मुझे इसे संभालना और सिखाना पड़ेगा। ये सफेद अनपढ़ खोपड़ी कुछ भी नहीं समझता। अब हर कोई तो पढ़ा लिखा नहीं होता ना, पैदा होते ही तो आदमी सबको सीख नहीं लेता है। क्यों रोबोट, मैंने सही कहा? ठीक है, अब इस सफेद बकरे को बांध दे मेरे गले। मैं करता रहा हूँ मैं जीवन भर, मंजिल की चाह में ये सफर, चाहे साथ ना दे कोई मेरा,
सहारे की परवाह किए बगैर। वाओ, यू आर सुपर्ब, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तुम्हारा काम अब शुरू होता है। ये लकड़ियां सूखी नहीं लग रही हैं। अरे रे, इसे यहाँ कौन लाया? ये लॉक। आदि, इसे बाहर कौन ले गया? मेरी बीवी की अस्थियां हैं इसमें। रूम साफ करते वक्त मुझे ये मिला। राख पौधों के लिए अच्छी होती है, इसलिए मैंने इसे बाहर रख दिया। सुनी इसकी बेवकूफी। ए, अब इस घर में या तो ये रहेगा या तो मैं रहूंगा, फैसला तुम्हें करना है। परेशान कर दिया इसने। ओहो। अगर ये कुछ दिन यहाँ ऐसे ही रहा तो ये सबको कचरे के डिब्बे में डाल देगा, देख लेना। ओए, ये क्या मिस्टेक कर दी तुमने? वो मेरी माँ की अस्थियां हैं, उसे काशी में जाकर बहाना होता है। इतनी बड़ी गलती कर दी तो अब तक आपने ये किया क्यों नहीं? अब ऐसा बेटा पैदा होगा जो हमेशा व्यस्त रहता है, तो माँ बाप दोनों को अस्थियाँ बनकर जिंदगी भर लोटे में ही रहना होगा। आदि व्यस्त नहीं है, बस बिना काम के है। ये सुन ले क्या कह रहा है ये बैल बुद्धि। कुछ भी बोलते हो। नहीं नहीं, पापा को चेस खेलना बहुत पसंद है, अभी देखना आके खेलेंगे। जब मैं कहता हूँ इसे खेलने के लिए तो हजारों बहाने बनाता है, और अब देखो कैसे मन लगा के खेल रहा है इसके साथ। क्या कहेंगे इसे, बेवकूफ लड़का। जहाँ रानी को आगे बढ़ाना चाहिए, प्यादे को बढ़ा रहा है। दोनों ही ऐसे खेल रहे हैं जैसे कुछ नहीं आता जाता। पापा। हाँ बोलो, मैं आऊँ, क्या बात है? पापा मैं जर्मनी वापस जा रहा हूँ। मैं मना करूंगा तो कौन सा तू रुकने वाला है? जा बेटा, खुश रह। ठीक है पापा। और मैं क्या करूँ? इस घर के आंगन में बहुत सारी घास सूख गई है, जाकर जितना हो सके साफ कर दे, वरना अंदर जा, अपने पुर्जे ढीले कर और सो जा। रोबोट सोते नहीं है, उसे ऑफ करते हैं। तुझे ऑफ कर सकते हैं? बताना कैसे करूँ? रिमोट से कीजिए। शटिंग डाउन। अरे वाह, अब मैं आराम से रह सकता हूँ। मैं चलता हूँ पापा। हाँ हाँ, अब तू हमेशा ऐसे ही मूर्ति बना रहेगा। ये आलसी पेपर वाला हमेशा बाहर से ही पेपर फेंक देता है, मुझे उठाना पड़ता है। सारा सामान अच्छी तरह से रख लिया ना? हाँ पापा। ठीक है, बढ़िया, संभाल के जाना। एक बार इसके साथ रह के तो देखिए पापा, आप पक्का एक महीने के बाद एक और लाने को कहेंगे मुझसे। मैं एक ही नहीं झेल पा रहा, तू दूसरा लाएगा? जब जरूरत हो तो यूज करिएगा पापा, नहीं तो शटडाउन कर दीजिएगा। आपकी जरूरत की सारी चीजें उसके डेटा में फीड कर दी हैं। आपके बारे में, इस घर के बारे में, अब वो सब कुछ जानता है। वो आपके बहुत काम आएगा पापा। मैं इसका इस्तेमाल करूंगा या नहीं करूंगा ये फैसला मेरा अपना है, तू जा यहाँ से। अब तेरे फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चलते हैं। इस्तीफा देके अगली फ्लाइट से वापस आ जाना। तो अब तू ऐसे ही खड़ा रहेगा खेत में डराने वाले किसी पुतले की तरह। ये गिद्ध जैसे मुझे हमेशा घूरता रहता है, इन कबाड़ के बीच में तू ऐसे ही सड़ता रहे, तेरी कहानी यही खत्म। अब तुझे तभी निकालूंगा जब मेरा बेटा आएगा। टाटा, बाय बाय। पवित्रा, जरा सुनो, तुम पवित्रा हो ना? जी हाँ। अरे कितना वक्त हो गया तुम्हें देखे, तुम ठीक हो ना बेटा? मैं ठीक हूँ काकी, मेरी बेटी ने पढ़ाई पूरी कर ली, जब तक उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलती मैं इसी गांव में रहूँगी। चाहे कहीं भी रह लो पर घर का सुख तो घर पे ही मिलता है। बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि तुम्हारा पति नहीं रहा अब। ठीक है काकी, मैं चलती हूँ, बेटी घर पे अकेली है। अच्छा, अपना ध्यान रखना। क्या कह रहे हो, अंकल ने रोबोट को स्विच ऑफ कर दिया? मैं अपने पापा को अच्छे से जानता हूँ, इसलिए उसे ऐसे प्रोग्राम किया है, हर 12 घंटे में खुद ऑन हो जाएगा। वाह, बढ़िया है। ताजा खबर पढ़ लो, ताजा खबर पढ़ लो। राहुल के पापा है क्या? कटप्पा,
मतलब मेरा शक सही था। बाप रे। जी हाँ, अरे और सही कहा। तुम्हारे पापा कुतप्पा वहाँ सुब्रमण्य के बागीचे में छुप के बैठे हैं। क्या बकवास कर रहा है? कह रहा हूँ उनके ऊपर गोली रखी है ताकि कोई पहचान न सके। इसी दिन का तो इंतजार था, आज छोड़ो। अरे इसके पापा जान से मार दूंगा। माँ को मारा था वो सुब्रमण्य के घर में छुप कर बैठा है। आओ चलो मेरे साथ। अरे राहुल इतना गुस्से में क्यों? अरे वो गुस्सा नहीं होगा तो क्या होगा? कुटप्पा खूनी है, एक नंबर का चोर उचका है, शक के बिना पर अपनी बीवी को मारा। राहुल को चोर का बेटा बोलकर स्कूल से निकाल दिया गया। राहुल का बाप कुटप्पा हमेशा अपनी बीवी पर शक करता था कि कुटप्पा बौना होते हुए भी उसका बेटा कैसे लंबा हो गया। और तो और उसने आखिर में अपनी बीवी का गला रेता और भाग गया। बाप बेटा आमने सामने होंगे तो पता नहीं क्या होगा। राहुल तो इंतकाम की याद में झुलस रहा है, कुटप्पा को आज छोड़ेगा नहीं। राहुल चलो देखते हैं आज क्या होता है। कहाँ जा रहे हैं? अरे बंडी पेपर, क्या इतने बड़े जुलूस के साथ कहाँ जा रहा है रे? अरे वो कुटप्पा आपके साले के बगीचे में छुपा हुआ है। अब राहुल के सर पे खून सवार है और आप चाय बनाने में लगे। मैं भी आता हूँ, कुटप्पा की वजह से मेरा काम गया। छोटू तुम दुकान का ध्यान रख, मैं आ रहा हूँ। नहीं आओगे तो भी चलेगा, आके तेरा हिसाब लेता हूँ। राहुल राहुल चलो जा रहे, रुको कहाँ जा रहे हो? अंदर कोई रामलीला चल रही है जो तुम देखने जा रहे हो। इस कुत्ते का तुम है? तुम लोग यही रुको, मैं अभी जाकर देख के आता हूँ। तुम जरा मेरी गाड़ी का ध्यान रखना। तुम भी आया, तुम लोग यही रुकना, अंदर मत आना। राहुल तुम यही कहीं अपना गुस्सा थूक दो। तुम लोग रुको मैं जाकर आता हूँ। जीजू जीजू क्या हो गया मेरे गेंडे साले? जीजू वो खूनी कुटप्पा आपके बगीचे में गोनी ओढ़ के छुपा हुआ है। पेपर वाले ने उसे देख लिया और सबको बता दिया। अब सारा गाँव बाहर इकट्ठा हुआ है। और तू ये बात मुझे बताने आया है? हाँ, गांव वालों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? बोलना ही बेकार है। अब ये कौन है जीजू? मिस्टर सुब्रमण्य चाय लीजिए प्लीज। पहले ये बता तू यहाँ पहुँचा कैसे? मैं तो तुझे कबाड़ के बीच छोड़ आया था, और तू ऑन कैसे हो गया? मिस्टर आदि ने मुझे रिबूट कर दिया है। ओ अच्छा, तो तुम वो मशीन हो जिसे आदि लाया है? मुझे तो लगा कोई वॉशिंग मशीन आया है। जीजू जो इंसान कर सकता है वो ये भी करता है क्या? सिवाय खाने सोने के मैं हर काम कर सकता हूँ। ओह बड़ा घमंड है इसे अपने आप पर। तू बेटा या बेटी पैदा कर सकता है? नॉट पॉसिबल मिस्टर सुब्रमण्य। देखा औकात में आ गया, अंग्रेजी झाड़ने लगा। आप इस तरफ आ जाओ, अब देखो मेरी अंग्रेजी का जलवा। जो ये दूसरा भी Excuse me, what is your name? मैं रोबोट हूँ, मेरा नाम है किरण, मुझसे सुंदर हो जाएगा सबका जीवन। My name is बाबू, मैं हूँ आदि का मामा और ये है मेरे जीजा। किसका जीजा हूँ मैं? अरे मेरे और किसके? शर्म आती है मुझे। सठिया गए हैं, तू मेरे साथ बाहर चल, दुनियादारी समझाता हूँ। चल छोटे, हम तुम साथ हैं तो क्या गम है। चुका घर तो आज बड़ा साफ लग रहा है। आज ही मैंने पोछा मारा है। ए, 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 रुको, कहाँ घुसे चला रहे हो? ये देखो राहुल, ये तुम्हारा खोया हुआ बाप नहीं है। जीजू की देखभाल करने के लिए आदि ने विदेश से ये रोबोट नर्स लाया है, लेकिन इस मूर्ख पंडित पेपर वाले ने तुम सबको गलत खबर देकर भड़काया है। अब छोड़ना नहीं इसे। वो क्या है ना, जब मैंने पीछे से देखा तो तुम्हारे पापा जैसा ही देखा। अरे तुम्हारे अंदर वाईफाई है क्या? ये एंड्रॉइड है क्या? अरे नहीं एप्पल है। लगता है खिड़की का है, बोर्डबक विंडोज बोलते हैं। ये भी है, बोला हाय बोल रहा है। एक इंसान जो भी कर सकता है ये भी कर सकता है। साले, इस छुटके को दिखाकर क्या वाहवाही बटोर रहा है? ऐसी कोई बात नहीं जी। तुम सब लोग यहाँ किस लिए खड़े हो? हैं? फौरन यहाँ से चलते बनो, वरना यहाँ खड़े होने के पैसे लूंगा मैं। चले आए मुंह। आज तो पेपर पंडित की खैर नहीं। ए सुनो, तुम सबको इसके साथ सेल्फी लेनी है तो जल्दी से ले लो, जीजू बस आते ही होंगे। आ जाओ जल्दी करो। ए रुको रुको रुको, एक सीधी लाइन बनाओ, जल्दी से लाइन बनाओ और एक एक करके आगे आओ। एक बात सुनो, आज के लिए ही सेल्फी फ्री है, कल से अगर मेरी दुकान पे चाय समोसे लोगे तो ही सेल्फी ले सकोगे। चलो जल्दी से ले लो, आ जाओ। ले लिया पनीर, तुम्हारी बारी, आ जाओ आ जाओ। अरे दादी आप भी आ जाओ, सबको बता देना। तुम्हें पता है सुब्रमण्य का ध्यान रखने के लिए एक स्टील का पुतला है नर्स बनके। क्या स्टील का पुतला? तुम्हारे मन में क्या है वो ये भी पढ़ सकता है। तो सामने मत जाना, पता चल जाएगा तेरा चक्कर चल रहा है। रसगुल्ला संदेश मिष्टी दोई सब बना सकता है वो रोबोट, समझा क्या? लड़का है कि लड़की है? उसका नाम अगर कुटप्पा रखा है तो जरूर वो लड़का ही होगा। आपको पता है माँ, उसमें वाईफाई कनेक्शन भी है। माँ मुझे तो लगता है उस रोबोट को सब कुछ पता होगा। तुमसे जब दूर जाऊंगी तो तुम्हें की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझसे बात करने के लिए। रोबोट के जरिए मुझसे बात कर सकती हो माँ? वो तो अब जाकर मैंने इस्तेमाल करना सीखा। अब और एक नई चीज मेरे दिमाग में नहीं घुसने वाली। पेपर। गुड मॉर्निंग मिस्टर पंडी। तुम्हें मेरा नाम पता है? आपका नाम है पंडी, आपके पापा का नाम है करू पंडी। एड्रेस है 15 नंबर विनायक गली। काम अखबार पहुँचाना, पढ़ाई एक फिल्म।
जन्म तारीख 23 अप्रैल 1981। सबसे पसंद है आंटिया। जो लोग ना पसंद है बुरी औरतें। तुम्हारे फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में 300 गर्लफ्रेंड्स हैं। एक भी लड़का नहीं है। तुम पिछले हफ्ते गोवा गए थे। तुम स्वीट ड्रीम्स लॉज में रुके थे। वहाँ तुम्हारी फेसबुक फ्रेंड मीरा तुम्हारे साथ गई थी। तुम रोज 50 लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो। तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? तुम्हारा चेहरा स्कैन किया और फेसबुक से पता किया। किसी के भी नाम और तस्वीर से उसकी सारी डिटेल्स दे सकता हूँ। कल से हम पेपर नहीं लेंगे। पेपर लेने का या ना लेने का फैसला तेरा नहीं, मेरा होगा। हाँ, सही कहा। और इसने जो कहा वो भी सही है। पेट पे लात मत मारिए। किसके पेट पे? मेरे पेट पे और किसके? उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे पेपर पढ़ने से जो खुशी मिलती है वो तू नहीं समझ पाएगा। रोज पेपर खरीदने की जरूरत नहीं। मेरे डिस्प्ले से पढ़ोगे तो भी वही खुशी मिलेगी। मैं हर रोज सुबह टॉयलेट में बैठकर पेपर पढ़ता हूँ तब खुशी मिलती है। तू मेरे सामने खड़े होकर न्यूज पढ़वाएगा? हाँ बिल्कुल। तुझे शर्म नहीं आएगी क्या? नहीं आएगी शर्म। बेशर्म डिब्बे, तू अंदर जा। अब क्या है, कितना घमंड है, देखो कैसे तनके जा रहा है। हे भगवान, रक्षा करना प्रभु। मिस्टर सुब्रमणी, ले लीजिए प्लीज। ये क्या लाया है? दवाइयाँ। मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना आता है, आया है दवाई देने। बौना डॉक्टर, चल भाग यहाँ से। ओहो, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं पैसे लेने बैंक जा रहा हूँ। क्यों? अब लिखकर तुझसे इजाजत लेनी होगी क्या? आपको 102 डिग्री बुखार है, बाहर जाना सही नहीं है। बाहर धूप की गर्मी 108 डिग्री है। ये शरीर मजबूत है, कुछ नहीं होगा, चल हट। अपने आप को डॉक्टर समझता है, मेरा ख्याल रखे। मिस्टर सुब्रमणी, देखा तूने क्या किया? निकलते वक्त तूने मेरा रास्ता काटा किसी काली बिल्ली की तरह। देख, मुझे लग गई ना, अब तो तय है जिस काम से जा रहा हूँ वो नहीं होने वाला। आपके पैर में मोच आई है। मुझे पता है, चुप रह। ऐसे क्यों घूर रहा है? मैं आराम कर रहा हूँ, मर नहीं गया। दफा हो जाए यहाँ से। क्यों रे, तो क्या सारी रात यहीं पर खड़ा था? हाँ मिस्टर सुब्रमणी। आपकी बीवी की अस्थियां। नया इमोशन डिटेक्ट हुआ। कॉफी लेकर आओ। कॉफी। जल्दी लेकर आओ। ये क्या है, कॉफी इतनी गर्म क्यों है?
इससे तो बेहतर है कि तुम मुझे मार ही डालो। राम कमांड। सेल्फ डिफेंस मोड एक्टिवेटेड। जीजा के पास अपना बगीचा है, फिर भी चाहता है कि मैं पड़ोसी से चुरा कर नारियल ले आऊं। तुम्हें झाड़ू लगाना भी आता है? मेरी दुकान पर आकर भी लगाया करो। 100 रुपए पगार दूंगा और 2 बार चार्ज भी करूंगा। क्या हुआ? Do not enter. Harmful weapon detected. अरे हाफ हो या फुल, सारी रात बैठकर पियो और सुबह उठकर ये पी लो तो सेहत एकदम मस्त रहेगी। चल अब साइड में। क्या कर रहा है छोटे? जान लेगा क्या? आपकी तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई भी हथियार अंदर नहीं ले जा सकते। मैं तुम्हें कोई खूनी लगता हूँ क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा गला पकड़ने की? चीजू से कहूँगा तुम्हारे पैर में टेप बांधे और तुम्हें पंखे से उल्टा लटका दे, देख लेना। अरे ओ लड़के, सफेद खिलौने कहाँ चला गया? ये जरा पैर दबा देता। यहाँ है ये, यहाँ क्या कर रहा है? ये सब किसने किया यहाँ? मैंने किया है, सब सही है ना? किया तो सही है, पर ये सब करना तुम्हें सिखाया किसने? मैंने गूगल पर देख। क्या रे कुटप्पा, क्या कैसा है तू? ये कुटप्पा, सब लोग तो इसे इसी नाम से बुला रहे हैं। देखा, हमारे गांव वाले इसी नाम से तुम्हें बुलाते हैं। अब तुम्हारा नाम कुटप्पा है। कॉपी दैट, न्यू नेम अपलोडेड। अरे सुब्रमणि। बोलिए माँ जी। तुम इसे बिना कपड़े के क्यों घुमा रहे हो? गाँव में लड़कियाँ भी हैं, उनकी इज्जत का तो ख्याल करो, कम से कम पैंट तो पहना दो। पर आपको नीचे देखने की जरूरत ही क्या है? जाइए और अच्छी तरह से पूजा कीजिए। ये लो, तुम्हें हमारे कुटप्पा के कपड़े सिलने हैं। इसकी अच्छी तरह से नाप लेकर सिलना, एकदम हीरो जैसा दिखना चाहिए। अरे कुटप्पा, इन कपड़ों में तू तो हीरो लग रहा है। हीरो क्यों नहीं, जरा आईने में देखो, तुम इन कपड़ों में गांव के सरपंच जैसे दिख रहे हो। अरे ये क्या हो रहा है? पापा ने रोबोट को कपड़े पहना दिए। क्या कपड़े पहना दिए? तो अब तो तुम्हें इंडिया जाने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है ना? मैं चलती हूँ माँ। वहाँ पहुँचते ही मुझे कॉल करना बेटा, ठीक है? आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं अच्छे से पहुँच जाऊँगी। माँ मैंने आपको इंटरनेट चलाना तो सिखा दिया, बस एक बटन ही तो दबाना है, मैं लाइव तुम्हारे सामने आ जाऊँगी। संभल कर जाना। दीदी आप माँ का ख्याल रखना। ठीक है, तुम फिकर मत करो, बेटी को रोते हुए विदा मत की। माँ मैं पहुँच कर फेसबुक पर कॉल करूँगी, तू ध्यान रखना। बाय। कुटप्पा। बोलिए मिस्टर सुब्रमणि। अच्छा तू मुझे से पवित्रा के बारे में जानकारी दे सकता है क्या? पवित्रा को सर्च कर रहा हूँ। ये तू मुझे क्या भटका रहा है? नेक्स्ट पेज रिजल्ट्स। अरे हाँ, यही है। यही तो है वो पवित्रा। इस उम्र में भी कितनी खूबसूरत लग रही है। कुटप्पा, लगता है तेरे गूगल बुक से हम जिसकी चाहें उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हाँ। कमाल का मौसम है यहाँ, बारिश के गाने और आपके दिए हुए नाश्ते, इस मौसम का मजा लेने के लिए सब बिल्कुल सही है माँ। ये सब बातें बाद में भी हो सकती है, वक्त देखा है।
आज संडे है, हॉस्टल का कैंटीन जल्दी बंद हो जाता है, जा जाकर खा ले। जो प्यार मुझे लगा था कहीं खो गया है, तुम्हें देखते ही वो फिर से दिल में जाग गया। तुम स्कूल जाती थी तब बालों में एक गुलाब का फूल लगाती थी, मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ। कौन है वो औरत और तुम्हारे पापा ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? यार मुझे तो ये दिल का मामला लग रहा है, पापा को एक तरफा प्यार हो गया है। क्या सच में? हाँ, इनको दिल का दौरा भले ही पड़ा हो, दिल फेंकने में आज भी माहिर हैं। पंडित जी, जी जी, इसका नाम है कुटप्पा, कुटप्पा। गोत्र है शिव गोत्र और नक्षत्र है बच्चा नक्षत्र। इसकी मंगल कामना के लिए पूजा कीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा। सिर्फ फेसबुक पे मैसेज भेजने से नहीं पहचानेगी वो, अपनी फोटो भी भेजनी होगी। अरे ऐसी गलती मत करना। जर्मनी में अगर कोई औरत पसंद आ जाए तो बिना शर्माए अपनी दिल की बात बोल सकते हो। यह सब मैं कैसे कर सकता हूँ भला, उम्र देखी है मेरी, लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे। शादी करने के लिए उम्र की पाबंदी नहीं होती है। मैंने तुझसे शादी की बात की है क्या? अब क्या शादी करूंगा, बस पुरानी यादें ताज़ा करके जिंदगी बीत जाए यही बात है। जर्मनी में बिना शादी किए भी एक साथ रह सकते हैं, इसे कहते हैं लिविंग टुगेदर। बिना शादी किए एक ही छत के नीचे, काश मैं जर्मनी में पैदा होता। ये क्या हो रहा है मुझे, ये लड़का मेरा दिमाग भटका रहा है। मंदिर में आकर कोई ऐसे बात करता है, चला जा। क्या राहुल कैसे हो? अरे गुरुजी मैं ठीक हूँ, आप कैसे? 5 किलो चावल देना। अभी देता हूँ। 5 किलो आटा, 4 किलो दाल, 2 किलो चावल। पेट निकला है आपका, रोज नॉनवेज खाते हो क्या? नॉनवेज के पैसे नहीं है तभी तो चावल खाता हूँ। अंधे हो क्या, दिखता नहीं है? ऐसी बदतमीजी से बात क्यों कर रहा है? ये क्या है? चावल है। आधे से ज्यादा चावल में कीड़े लगे हैं तो नॉनवेज हुआ ना? तेरी दुकान का राशन ही नहीं चाहिए। गुरुजी रुकिए तो, 5 किलो का फायदा हो गया। रख इसे, आपको क्या करते हैं लोग। 2 किलो दाल निकाल। कुटप्पा यहाँ आ। तेल है आपके पास? अरे आपसे ही पूछ रही हूँ। कुटप्पा इधर आ जा, यहाँ आकर खड़ा हो जा, यहाँ कोई नहीं भगाएगा तुझे। आपका शुक्रिया। ए मुर्गन कोनी खोल, जल्दी ला। दुकान संभाल मुर्गन, ध्यान रख। कुटप्पा इस महीने एकादशी कब है? 8 तारीख। कम से कम ये है तो हमें सही से सारी तारीखें पता चल जाती हैं। देखो हमारे पास तो कैलेंडर है सब कुछ पता लगाने को। अच्छा? लेकिन इसके अंदर तो सारा संसार बसा हुआ है, इससे जो क्या? भी पूछो इसके पास सब जवाब होता है। ये सच है। कुटप्पा, कुटप्पा रुको जरा। कुटप्पा मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ पूछिए। कोई है जिसने अपना नाम नहीं बताया पर मेरे साथ फेसबुक पर चैट करता है, कैसे मदद करूँ आपकी? तुम पता करके बता सकते हो वो कौन है? घबराइए मत, किसी भोले इंसान नहीं भेजा होगा बातचीत करने के लिए। मैंने उनसे कई बार पूछा पर वो अपना नाम ही नहीं बताता, मुझे पुरानी बातें बताता है ताकि जाल में फंसा सके। ओहो। सोच रही हूँ पुलिस के पास जाकर शिकायत कर ही दूँ। भावनाओं में अंतर है और चेहरे पर गुस्सा है, पर दिल से चाहती है कि कौन है वो आदमी ये पता चले और आप उससे बात कर सके। इसे फेस रीडिंग कहते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस नाम ही जानना है उसका। तुम पता लगा सकते हो क्या प्लीज? कादर। हाँ भैया बोलो। कुछ काम है, चलती हूँ, कोशिश करना। घर पे भिजवा के भैया। पुराने हिंदी रोमांटिक गाने चला रहा हूँ जो दिल को छू जाए। मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, तुझे मरना ही होगा। राशन की दुकान छोड़कर आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे भाई ने इतनी मुश्किल से तो आपको काम दिलवाया था। तुझे नहीं पता हर जगह उसी की चर्चा है, बस स्टॉप में उसकी बातें, चाय की टपरी में उसकी बातें, यहाँ तक कि मेरी दुकान में भी उसी की बातें चलती हैं। उसकी बातें सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। अरे वो बस एक मशीन है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपके पिताजी हैं? तू नहीं जानती वो मेरा बाप ही है, फेस बदल कर आया है। ए,
खटिया इंसान, तुझे क्या लगा फेस बदल कर आएगा मैं पहचानूंगा नहीं? मैं तेरे छोटे 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 टुकड़े कर दूंगा और तेरी लाश पर थूकूंगा। इस गांव के सारे चील कौओं को इकट्ठा करूंगा और तेरे टुकड़ों को उन्हें खिलाऊंगा। हेलो भैया। हाँ बोलो भैया। सारी मेहनत जो की थी बर्बाद हो गई। जो भी इलाज किया था इनका वो कोई काम नहीं आया। मेरा पति फिर से धीरे धीरे पहले जैसा होता जा रहा है भैया। इसे उस स्टील के खिलौने से इतनी तकलीफ हो रही है। जब तक वो मशीन यहाँ रहेगा मेरा पति ठीक से पेश नहीं आएगा। गाँव वालों का मुंह तो नहीं बंद कर सकती ना। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना, उस पागल के ठीक होने के बाद भी उसे घर में ही रखो। तुमने उसकी नौकरी के लिए कहा था ना, अब भुगतो। भैया ऐसे मत बोलो, बस आप ही मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। अच्छा बेटा, तूने कभी डैम देखा है? ले चलूं तुझे? अरे सुब्रमणि, रुको रुको रुको, गाड़ी रोको। आप ही सुब्रमणि है क्या? जी साहब, क्या बात है? तुम्हें ढूंढने तुम्हारे घर गए थे। हाँ। पता चला कि मंदिर में। मैं कुछ काम से आया था, घर के तरफ ही जा रहा हूँ। साथ चलिए, चाय पीते हुए बात करते। चाय वाय सब बाद में होती रहेगी। हाँ। मैं म्युनिसिपल ऑफिस से आया हूँ। हाँ। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है। मेरे खिलाफ कंप्लेंट? जी हाँ। लेकिन किस बात की और कैसी कंप्लेंट? मैं तुम्हें सारी बातें नहीं समझा सकता। लाइसेंस है तुम्हारे पास? मुझे गाड़ी चलानी आती ही नहीं तो लाइसेंस किस लिए रखूंगा? मजाक कर रहे हो, मैं इसके लाइसेंस की बात कर रहा हूँ। लाइसेंस है इसका? साहब इसे भी गाड़ी चलानी नहीं आती। अच्छा? हाँ। मतलब लाइसेंस नहीं है? हाँ साहब नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ। सुनो, इसे गाड़ी में डालो। क्या गाड़ी में, किस लिए? वजह तो बताइए, किस लिए ले जा रहे हैं? लेकिन साहब मेरी बात तो सुनो, उठाओ से। आप जल्दी करो, गाड़ी में रखो। ये गलत है, मैं इसे ले जाने नहीं दूंगा। साहब साहब ये क्या कर रहे हैं? बात करना, उसने क्या किया है जो आप ले जा रहे हैं उसे? ये जल्दी दो चाय दे। क्या सुनना, आदिक को जल्दी से जर्मनी में फोन लगा। जो कह रहा हूँ करना। पहले फोन लगा, बताता हूँ। क्या बात है जीजू? तुझे बताने से कोई फायदा नहीं है, फोन लगा, मैं दर्शन करके आता हूँ। अरे आदि, जीजू बात करना चाहते हैं। मुझे दे। सुनना बेटा आदि। पापा कैसे हैं आप? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा, बस एक गड़बड़ हो गई। वो आज मैं कुटप्पा के साथ मंदिर से दर्शन करके लौट रहा था कि तभी म्युनिसिपैलिटी के लोगों ने मुझे रोका और पूछा इसका लाइसेंस कहाँ है। जब मैंने कहा नहीं है तो उसे उठा कर ले गए। पापा आप इतनी टेंशन मत लीजिए, उसे कुछ नहीं होगा, मैं उसे आपके पास लेकर आऊंगा। अरे लेकिन कैसे फिकर ना करूं बेटा, आजकल लोग छोटे बच्चों को किडनैप कर लेते हैं और फिर उन्हें, उस बेचारे को तो रोना भी नहीं आता। पापा सुनना आदि, मैं अब कुटप्पा के बिना एक दिन भी नहीं जी सकता, तू जल्दी से वापस आ जा। मैं ऐसे फौरन कैसे वापस आ सकता? नहीं आ सकता क्या? ठीक है ये ले फोन, तुझे जो बात करनी है कर ले, वहाँ कुटप्पा अकेला होगा, मैं उसके पास जाता हूँ। हेलो आदि, ए, तुम्हारे पापा बहुत परेशान हैं। हे भगवान। मामा आप पापा के साथ रहिए, अकेला मत छोड़िएगा। हाँ हाँ। जीजू जीजू रुकिए, मैं भी साथ में चलता हूँ, रुकिए। आदि क्या हो गया? देखिए जीजू कैसे कैद करके रखा है। बेचारा बच्चा। मैं इन लोगों को। अरे जीजू चिंता मत कीजिए, यहाँ बैठिए, मैं बात करके आता हूँ, बैठिए ना। नमस्कार सर। नमस्ते साहब। हाँ बैठो, क्या बात है? सर आपने कुटप्पा को ऐसे कैद क्यों कर रखा है? कुटप्पा अजीब सा नाम है। उसने एक 16 साल के बच्चे की जान ली है, अभी कोई सबूत नहीं मिला है। ये भी सुना है कि पास के गांव में लूट भी की है। किसने किया कोई नहीं जानता। मेरे पास बहुत कंप्लेंट्स आई हैं। साबित करो ये निर्दोष है और ले जाओ। सर ये तो एक बहुत बड़ी साजिश है, इंसान के जुर्मों की सजा एक मशीन को दे रहे हैं। सही, इस पर कोई कैसे यकीन करेगा? मिस्टर सुब्रमणि आपके नाश्ते का समय हो गया है, आपने कुछ खाया? अगर नहीं खाया तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। कोई करे या ना करे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर ये जुर्म हुए हैं। छिपकर गुनाह करने की बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे फोन और इंटरनेट, ये सब उस रोबोट में मौजूद हैं। सुनना बेटा, तुझे इन लोगों ने मारा क्या? नहीं तो? झूठ मत बोल, मुझे सच बता दे, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैंने। नहीं। तू फिक्र मत कर, हम तुझे छुड़ा लेंगे। ठीक है। Mm-hmm.
कौन जानता है कि कितने घरों को उजाड़ देगा ये रोबोट। साहब आप म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर हैं, तो जासूस कर्मचारी मत बनिए ना। तो ये बात है, तो फिर मेरी बात सुनो। सुनाइए। इस रोबोट की हर हरकत के जिम्मेदार आप होंगे, पुलिस स्टेशन से एनओसी ले आइए। मिल जाएगा क्या? मुझे कैसे पता? देखो अगर नई मशीन का आविष्कार करते हो तो उसके लिए सरकार की इजाजत लेना जरूरी है। अगर कोई भी गड़बड़ हुई, अफसर होने के नाते उसे सील करने का मेरा पूरा हक है। छोड़ने वाला नहीं हूँ, निकलो यहाँ से। जरूर तुझे सिफारिश से सरकारी नौकरी मिली। आप लोग बैठिए। सर क्या है? पीएम ऑफिस से एक लेटर आया है। सर ऐसे 50 और रोबोट अगले 5 सालों में जर्मनी से यहाँ लाए जाएंगे। सर अभी सिर्फ ये ट्रायल चल रहा है, सीनियर ऑफिसर का साइन है सर। जाने दो उसे। ठीक है सर। कोई कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ूंगा। यही तो कह रहे हैं। अब समझे मेरे भांजे की पहुंच कहाँ तक है, उसकी पीएम तक पहचान है। चलिए जीजू कुट्टप्पा को घर ले जाते हैं, साहब मान गए हैं। आजा बाहर आजा, तुझे छोड़ा लिया है बेटा, आजा आजा। अरे अफसर साहब जरा रुकिए ना, दरअसल आपको एक छोटी सी बात याद दिलानी थी। साहब आपको वो अशोक नगर वाला मर्डर केस याद है क्या, जिसमें सिर बॉडी से अलग कर दिया था, फिर उसकी बॉडी को ट्रंक में डालकर ट्रेन में चढ़ा दिया गया था? क्या उन खूनियों के पास 1950 में खून करने के लिए इंटरनेट की सुविधा थी? नहीं थी साहब। अच्छा इसे छोड़िए, आपने वो दिल्ली के सीरियल किलर के बारे में तो सुना होगा, जो जवान लड़कियों से दुष्कर्म करके उन्हें मार डालता था। क्या उस वक्त गूगल उन्हें खून करने के तरीके बताता था? अरे साहब उस वक्त तो मोबाइल फोन भी नहीं थे। हमें साइंस और टेक्नोलॉजी को दिल से स्वीकारना चाहिए, जैसे कि शहरों में और हाईवे पर हर जगह सीसीटीवी कैमरा होते हैं। साहब आप अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें लगाने के बाद से ही ये सारे अपराध कम होने लगे हैं, आंकड़े भी यही बताते हैं। शायद आप रोज अखबार नहीं पढ़ते। अरे साहब अपराध तो हमेशा से होते रहे हैं और होते रहेंगे, लेकिन उसके लिए इल्जाम हम टेक्नोलॉजी पर दोष नहीं लगा सकते। टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। हमें अच्छी चीजें रखनी चाहिए और बुरी छोड़ देनी चाहिए। एकदम सही बात है सुब्रमण्य। इन्हें भाषण से नहीं टॉर्चर से समझाते हैं। ए, तुम दोनों अचानक इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? साहब हमें माफ कीजिएगा, हम चलते हैं। आजा छोटे। जब मैं 7 साल का था मेरी माँ चल बसी, उसके बाद से पापा के मन में डर बैठ गया कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। अगर वो चाहते तो दोबारा शादी कर लेते, पर उन्होंने मेरी वजह से नहीं की। मेरे पापा लाखों में एक हैं। पिछले कुछ वक्त से इसका टाइम बुरा चल रहा है, हर चीज इसके खिलाफ जा रही है, गांव वाले इस पर बुरी। ए, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इसका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है और तुम इसे घूरे जा रहे हो। कुंडली देखो इसकी, क्या कर रहे हो? मैं इंसान की कुंडली देख सकता हूँ लेकिन इसकी कुंडली? अरे ये भी इंसान जैसा ही है, नाम का रोबोट है पर दिमाग इंसानों से भी तेज है। देखिए जी मैं कुंडली तो देख सकता हूँ लेकिन मुझे जन्म तिथि स्थान समय चाहिए होगा। ये सब जानकारी है क्या तेरे पास? है मेरे पास। जरा बताई ने। मैन्युफैक्चर की तारीख 3/12/2020, सक्रिय होने का समय सुबह 4:55। ए गणपति बप्पा इससे रक्षा करो। हाँ तो इस चीज की वजह? ये चीज किसे कह रहे हो? इसे इंसान समझो पंडित। हाँ ठीक है, आप और इसके आसपास के सभी लोग इसकी वजह से बहुत खुश रहे। हाँ ये सही कहा। लेकिन फिर इसके पेट में गड़बड़ी हो सकती है। अरे जब ये कुछ खाता पीता ही नहीं तो पेट में गड़बड़ी कैसे होगी? आपने वायरस के बारे में नहीं सुना है क्या? अरे हाँ ऐसा है क्या? हमारे फोन में कंप्यूटर में वायरस होता है। हाँ वैसे ही कह रहा था। ओहो और इसकी कुंडली में बुरा योग है। कैसा बुरा योग पंडित जी? आप घबराइए नहीं, हर समस्या का समाधान है। समाधान है तो बताइए। अगले अमावस के पहले आपके गांव के बाहर जो मंदिर है वहाँ पर दर्शन करके एक संकट हरण पूजा करनी होगी। ठीक है करूंगा मैं। और हर शनिवार को हनुमान जी के आगे दीप जलाकर अर्चना करनी होगी उनकी कृपा पाने के लिए। आपका बहुत बहुत मंगल होगा जी। चल बेटा समाधान मिल गया। अच्छा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब मेरा भी मंगल हो जाए। अरे हाँ मैं तो आपको दक्षिणा देना भूल ही गया। इतना काफी है? आपसे इससे ज्यादा क्या उम्मीद करूं? और इससे ज्यादा आपको मिलेगा भी नहीं। चल बेटा वरना ये पंडित ऐसे ही लूट के झरने के बगल में बंगला बना लेगा। लगता है बेटे की जगह रोबोट ने ले लिया है, उन्हें उस रोबोट से लगाव हो गया है। ट्रायल पीरियड के बाद अगर मैं रोबोट को यहाँ ले आया
तो पापा बहुत दुखी हो जाएंगे। चाहे कितना भी खर्चा हो, मैं बॉस से कहूंगा कि मैं उस रोबोट को खरीदना चाहता हूँ। अरे टूटप्पा, तू ऐसे बारिश में क्यों भीग रहा है? कोई बात नहीं, अगर कपड़े भीग रहे हैं तो। सुन, दे मुझे ये कपड़े। क्यों झमेले में पड़ता है तू? चल अंदर। तू जानता नहीं, अगर बारिश में भीगेगा तो सर्दी हो सकती है तुझे। आज तूने कपड़े भी नहीं पहने, चल सर दे अपना। अगर तुझे कुछ हो गया तो तू मेरा ध्यान कैसे रखेगा? उल्टा मुझे रखना होगा। चल अंदर। पता है आजकल कितनी बीमारियां फैल रही हैं? अगर तू बीमार पड़ गया तो। मैं बीमार नहीं पड़ सकता, मैं इमॉर्टल हूँ। इमॉर्टल? ये कौन सी चीज है, मैंने कभी सुना नहीं। जैसे पवित्रा के लिए आपका प्यार कभी मर नहीं सकता, वैसे ही मैं कभी मर नहीं सकता। अरे तू तो इतनी सी उम्र में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। वैसे मुझे तुझसे एक बात कहनी थी। वो जो पवित्रा और मेरे बीच बात होती है ना, वो सिर्फ तेरे और मेरे बीच ही रहनी चाहिए। हाँ, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए, खासकर मेरे बेटे आदि को तो बिल्कुल भी नहीं। देर हो गई, आदि को ये सब दिखता भी है और सुनाई भी देता है। अरे अरे, ये क्या कह रहा है तू? वो हमारी बातें सुन और देख कैसे सकता है? वो इस कैमरा से देख सकता है और इस माइक से सुन सकता है। अगर तुझे कुछ हो गया तो तू मेरा ध्यान कैसे रखेगा? उल्टा मुझे रखना होगा। उल्टा मुझे रखना होगा। चल अंदर। वो जो पवित्रा और मेरे बीच बात होती है ना, वो सिर्फ तेरे और मेरे बीच ही रहनी चाहिए। हाँ, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए, खासकर मेरे बेटे आदि को तो बिल्कुल भी नहीं। पापा की आवाज। We designed the robots to take care of the human, but this funny old man takes care as his son. Crazy man. Hey, what the hell is going on here, man? Hey, you are not allowed here. Get out. Stop this. Who gave you the authority? मैंने दी है। ये आपने किया है? किससे पूछ के? किससे पूछता है, मैं बॉस। मुझसे पूछना चाहिए था, वो मेरे डैड हैं। आप लोगों के लिए वो कोई नमूने है क्या? यहाँ हर कोई उनका मजाक उड़ा रहा है। तुम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो, 24/7 सर्वेलेंस नहीं रख सकते। 24/7 सर्वेलेंस, क्या जरूरत है उसकी? लुक, रशिया में, फ्रांस में हमने रोबोट ट्रायल के लिए भेजे हैं, और उन दोनों रोबोट्स ने ही गलत कमांड के चलते अपने मालिक को मार दिया। अगर इसने तुम्हारे पापा को मार दिया तो। अरे बैठ जा, सिट। आप इस बारे में सब कुछ जानते थे, उसके बाद भी आपने ऐसा किया? आदि छोड़ो। तुम्हारे पापा का ध्यान रखने मैंने क्या यहाँ पर ओल्ड एज होम खोल रखा है? इंडिया में चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, जुगाड़ निकल ही जाता है। तुम्हें पापा का ध्यान रखने के लिए कोई चाहिए था, और मुझे इंडिया में रोबोट टेस्ट करने के लिए। दोनों का काम बन गया। It's just business. जी, शर्म नहीं आती है क्या? आप खुद भी एक इंडियन हैं। You're a bloody blood sucking leech. आदि, mind your language. Your father is under my control now. अगर मैं चाहूँ तो उस रोबोट के जरिए उनके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। So you better cooperate now. इसका मतलब ये हुआ कि मैं पवित्रा से ना कभी बात कर पाऊंगा और ना उसे देख पाऊंगा। अगर आप अपनी उंगली के छाप से मेरा पासवर्ड बदल देंगे तो आपके सिवा कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। उंगली की छाप चाहिए तो पहले बताना चाहिए था। ये गलत जगह है। हाँ। डिस्प्ले पर ओपन करिए माय फिंगरप्रिंट स्कैन। यहाँ लगा? हाँ। लग गया। सही कहा था तूने, कुछ तो बदल रहा है। सर, क्या हो गया? रोबोट के विजुअल्स नहीं आ रहे। मैनुअल ओवरराइड करके देखो। ओके सर। पासवर्ड बदल गया। अब किसी को पता नहीं चलेगा ना? नहीं। पक्का ना? पक्का। सर, उस रोबोट को रीप्रोग्राम कर दिया गया है, अब उसे आदि के पापा ही कंट्रोल कर पाएंगे। ये देखा आपने, कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। वही मैं कह रहा था, अब से जितना तुम्हारे पापा उस रोबोट के साथ रहेंगे उनकी जान को खतरा होगा। अब तुरंत जाओ, अपने पापा को बचाओ। And get me my robot back. Go. Adi. बेटा, मेरे जन्मदिन पर सरप्राइज देने के लिए कोई गिफ्ट भेजा है क्या? सोचा समय ने सब कुछ,
धुंधला कर दिया। वो प्यार जो मैं भूल चुका था, बस उस एक झलक ने फिर से उसे जगा दिया। मैंने सब कुछ धुंधला कर दिया। वो प्यार जो मैं भूल चुका था, बस उस एक झलक ने फिर से उसे जगा दिया। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हें पता था कि आज मेरा बर्थडे है? बताओ जरा। अब मुझे ऐसा नहीं लगा तो नहीं बताया। कुटप्पा जरा ये टाइप करके उसे भेजो तो। क्या भेजा है उसने? लाल रंग के फूल जैसे हैं। जर्मन की भाषा है क्या ये? नहीं मिस्टर सुब्रमणि, ये हार्ट का सिंबल है। हार्ट का सिंबल पर पांच बार क्यों? क्योंकि पवित्रा आपसे प्यार ही नहीं करती, बल्कि वो आपसे पांच गुना ज्यादा प्यार करने लगी है। अच्छा, अब समझ में आया। पिछले कुछ दिनों से उसका घर बंद है। मुझे नहीं पता मिस्टर सुब्रमणि। हाँ सही है, तुझे कैसे पता होगा? इस बीच हमने इतने सारे मैसेज भेजे, एक का भी जवाब नहीं मिला। पापा? अरे आदि, तू ऐसे अचानक बिना बताए आ गया? पापा बस आपसे मिलने का मन किया तो आ गया। वेलकम मिस्टर आदि, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुमने वैसे ही बहुत ज्यादा मदद कर दी है, और नहीं चाहिए, हटो। हाँ? अरे ये कौन है? नमस्ते अंकल। हाँ अंकल, मेरा नाम वैद्य ही है, मैं आदि की फ्रेंड हूँ। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, ठीक है। पापा, वैद्य ही भी हमारे साथ यहाँ रहेगी। लगता है बहुत ही खास दोस्त है जो हमारे साथ रहेगी। नहीं, हम बस ऑफिस में साथ काम करते हैं। ओह, और खाना वगैरह साथ ही खाते हैं पापा। रहने सोने का इंतजाम? हम साथ ही रहते हैं पापा। सब कुछ साथ में? नहीं पापा, हमने सोचा साथ रहेंगे तो खर्चा कम होगा। बातों को गोल गोल क्यों घुमा रहा है? सीधे कह देना कि लिविंग टुगेदर में हो। ठीक है, तूने ऐसी लड़की ढूंढ ली जो गाउन पहनती है, पर क्या ऐसा पहनावा हमारे लिए सही रहेगा? वैद्य ही, तुम बैग्स लेके अंदर जाओ, मैं आता हूँ। अच्छा ये बता बेटी, तुझे साड़ी पहननी आती है? आदि मुझे पहना देगा अंकल। पापा, हाँ? आपके हाथ की कॉफी पी अरसा हो गया, आज पिलाएंगे क्या? तुझे लगता है मैं अब भी कॉफी बनाता हूँ? अरे ये सारा काम कुटप्पा करता है अब। ए, जा जरा कॉफी बना के लेके आना। ठीक है मिस्टर सुब्रमणि। हाँ। पापा आप कहाँ जा रहे हैं? दरअसल वो आदत हो गई है ये जहाँ जाता है पीछे जाने की। आप बैठिए ना। आजकल कुटप्पा के बिना मेरा एक भी काम नहीं हो पाता। संभाल कर बेटा, देखना कहीं गर्म पानी हाथ पे ना गिरे। अरे तू यहाँ ऐसे क्यों खड़ा है? मेरे कमरे में क्यों नहीं आया? मिस्टर आदि ने आपके कमरे में जाने को मना किया है। अच्छा सुनना, अगर पवित्रा की तरफ से कोई मैसेज आए तो उस बारे में आदि को बिल्कुल मत बताना, मेरे भी कान में फुसफुसा के बताना, ठीक है? मैं समझ गया। वैसे पवित्रा का मैसेज अभी तक आया क्यों नहीं? किसके बारे में बात हो रही है? पवित्रन के बारे में। गांव के स्कूल का प्रिंसिपल अब रिटायर हो गया है, दोस्त है मेरा, पता करना था कि उसका कोई मैसेज आया या नहीं। चला जा। पापा आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं? बहुत रात हो गई है, मैं इसे ऑफ कर देता हूं। क्या कर रहा है ये कोई टीवी या रेडियो थोड़ी है। बड़ा आया ऑफ करने वाला, ऑफ करेगा। जर्मनी से आया है ऑफ करने के लिए। ये कोई इंसान नहीं बल्कि मशीन है, पापा को ये बात समझानी होगी।
अंकल को ही समझाना मुश्किल होगा, लेकिन हमें किसी न किसी तरीके से उन्हें समझाना होगा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सब्जियाँ तुम लोग क्यों काट रहे हो? अब से आपके लिए खाना मैं बनाऊंगा। अरे तू इस तरह कोने में क्यों खड़ा है? और सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि आपका हर एक काम अब सिर्फ मैं ही करूँगा। ठीक है फिर, मुझे आधा कप कॉफी पीनी है, जा बना कर ला। तुम्हारे देश में क्या घर में भी चप्पल पहनने का रिवाज है? सॉरी अंकल। अभी भी घर के अंदर है। ये लीजिए। मैंने आधा कप मांगा था ना? जितना मन हो पीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। और बचा हुआ कौन पिएगा? अगर इससे कहता हूँ आधा कप बना तो आधा ही बनाता है। नहीं पीनी मुझे। आ बच्चे। पापा कहाँ जा रहे हैं आप? तुझसे पूछ के जाऊँ क्या? हमारे मंदिर के स्थापना का दिन है, मैं इसे नए कपड़े दिलवाने जा रहा हूँ। पापा चला जा बेटा। आदि उन्हें जाने दो। कुटप्पा सब तुझे ही देख रहे हैं और तेरे बारे में बातें कर रहे हैं। तेरी नजर उतारने के लिए तुझे नींबू की माला पहनानी पड़ेगी। बहुत शुभ है। कॉपी डैड। मामा। अरे आदि, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम ऐसी एक लड़की रोबोट भी लेकर आए हो? मामा बहुत शोर हो रहा है, आवाज नहीं आ रही। मामा क्या रे, अब आ रही है आवाज? क्या करते हो मामा, सामने खड़े हो फिर भी कॉल कर रहे हो? वैसे ये लड़की रोबोट तुम विदेश में कहाँ से लाए हो बताना, मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया तुमने? मन नहीं गया तो नहीं बताया। विदेश जाके मामा को भूल गया रास्कल। आदि ये वही है ना जो गेंडे जैसे दिखते हैं, जिनके बालों में कौवे ने गलती से अंडे दे दिए थे? मैंने सही कहा ना? मेरे बारे में ऐसा बताया? माफ कर दीजिए। नमस्ते। अरे कोई बात नहीं, अच्छा किया जो हमारे संस्कारों के बारे में बता दिया इसे। ये मेरी मंगेतर है, विदेश भेजा था नौकरी करने के लिए, साथ में बोनस भी लेकर आ गए। जीजू को पता है? हाँ पता है। अच्छा, उन्होंने दे दिया ग्रीन सिग्नल तो मैं क्यों मचाऊं दंगल? क्यों, मेरी नई बहू, स्वागत हो रहा है ना तुम्हारा, हमारे गांव का यही मंदिर है। अरे कुटप्पा, तुम तो मेरे सिले हुए कपड़ों में एकदम धांसू लग रहे हो यार। अरे हमारा कुटप्पा कुछ ना भी पहने तो भी हीरो दिखता है। तुमने इसके कपड़े सिले हैं, कोई कमाल नहीं किया। तुम जो अपने लिए कपड़े सिलते हो उसमें से कुछ इंच कम कर दो तो मेरे कुटप्पा को हो जाएगा। तुम तो इसे ऐसे कुटप्पा कुटप्पा बुला रहे हो जैसे तुम बहुत ही लंबे हो और ये बहुत ही छोटा है। देखा जाए तो तुम भी कुटप्पा जैसे। अरे पागल हो गया है क्या? शांत हो जा। ऐसे जानवर की तरह बर्ताव क्यों कर रहा है? क्या हुआ तुझे? और सब लोगों ने अपने काम क्यों बंद हुए हैं? अरे तू जाने यहाँ से। एक तो पूजा की मटकी फोड़ दी और तुम सब शांत खड़े हो। भगाओ इसे यहाँ से, मंदिर से बाहर जा। आरती ले लीजिए जजमान। पंडित जी ये 100 रुपए है, इसमें से 10 रुपए लेकर 90 रुपए वापस कीजिए। तेरा बाप कितना कंजूस है, बस इसे वारिस ना बना दे। ये मेरी बहू है, जर्मनी से आई है, इसे और मेरे बेटे को भी आशीर्वाद दे दीजिए। साथ में मेरा निकम्मा साला खड़ा है, उसे भी आरती दिखा दीजिए। मिस्टर सुब्रमणि, मुझे आपको एक राज की बात बतानी है। कैसा सीक्रेट? इन्होंने मुझसे कहा है कि किसी और को ना बताऊं। मुझे भी नहीं, आपसे तो बात करने के लिए ही मना किया है। ऐसा कौन सा सीक्रेट है? अरे तुम लोग उसे जानते हो, कुमार साहब का बेटा है जो गांव का अध्यक्ष, नहीं नहीं वो सचिव। सचिव या अध्यक्ष? इतनी तहकीकात क्यों कर रहे हो? मेरा दोस्त है जो प्रिंसिपल था और रिटायर हो गया है, मैसेज वगैरह भेजता रहता है वो। कुटप्पा तुम्हें मैसेज आया होगा ना? हाँ। कोई बात नहीं, आराम से घर पे। बेटी है या बेटा? अरे जीजू, कुमार साहब की तो सिर्फ बेटी है। तो उससे किसी ने पूछा क्या? हे भगवान माफ कीजिएगा, मंदिर में हाथ उठा दिया। तू जरा बाहर आ, बता दूंगा तुझे। ये रोबोट ने लगता है जीजू के ऊपर कुछ काला जादू कर दिया है। आदि मैं तुझे पहले ही बताने वाला था, जीजू कुछ बदल से गए हैं। मैं उन्हें 35 सालों से जानता हूँ, कभी मेरे लिए कोई पूजा नहीं करवाई और ना धागा बंधवाया। पर उस कुट्टप्पा को वो ज्योतिष के पास ले गए, मंदिर ले गए, हाथ पर धागा बंधवाया और बुरी नजर के लिए हवन भी करवाया। एक दिन मैं जीजू के लिए नारियल लेके गया तो घब से कुटप्पा ने मेरा गला पकड़ लिया। मेरी तो जान ही निकल जाती, इतना कस के पकड़ा था। मैं तो ताबड़तोड़ वहाँ से भागा। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बताता तो तुम उसके टुकड़े कर डालते, क्योंकि तुम्हें मुझसे इतना प्यार है ना। बुढ़बक है आप। बुढ़बक? बाप बेटे को मेरी बेइज्जती किए बिना नींद नहीं आती। जिस दिन नहीं रहूंगा ना, उस दिन याद करोगे। क्या मैसेज मिला है तुझे? वॉइस मैसेज। वॉइस मैसेज आया है क्या?
हाँ मेरी बेटी की अचानक शादी तय हो गई। जल्दबाजी में तो मेरे हाथ पैर चलने बंद हो गए थे। अपने बॉस के बेटे से ही शादी की उसने, इसीलिए बिना सोचे समझे निकल गई। तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, बेटी चाहती है मैं उसके साथ रहूं, लेकिन मुझे तो गांव में रहना ही पसंद है। हाँ, मैं जो हूँ यहाँ, मैं दो दिन बाद लौट रही हूँ। ठीक है ठीक है, दो दिन बाद लौट रही हूँ। आपने सही कहा अंकल। अरे तुम लोग बाथरूम में भी चैन से नहीं बैठने देते। मुझे दुनिया वालों ने चैन से रहने न दिया। ये हाय। वैसे एक बात तो है, इसके घर वालों ने इसे अच्छे संस्कार दिए। बस बस बेटा, हो गया। पापा, मुझे आपसे अकेले में एक जरूरी बात करनी है। तो कहना। अकेले में करनी है। संभाल के ले जाना, बच्चों की तरह चलता है वो। पापा, मुझे जर्मनी से आए 2 दिन हो चुके हैं, पर आपका सारा ध्यान इस रोबोट पे ही है। आपको पता भी है लोग क्या कहते हैं। बस बहुत हुआ, आज से ये सब बंद कीजिए। पर क्यों, मुझे खुश देखकर तुझे अच्छा नहीं लगता? मेरा वो मतलब नहीं था पापा। आदि, पिछले 4 महीनों से ये कुटप्पा ही मेरा ख्याल रख रहा है। अगर मैं गुस्से में उस पर चिल्लाता भी तो वो नजरअंदाज कर देता, मेरे लिए खाना बनाता, मुझे प्यार से परोसता, नहाने में मदद करता, शरीर पोंछता। उसने हमेशा ख्याल रखा कि मैं खुश रहूं। मैं उससे जो भी कहता हूं, मेरी हर बात सुनता है। उसने कभी मना नहीं किया किसी चीज के लिए। और उनकी तरह भूल गए, तुमने ही इसे मेरी देखरेख के लिए रखा था और फिर तुम जर्मनी चले गए थे। उसने सगे औलाद से भी बढ़कर मेरा ख्याल रखा है। शुरुआत में मैं उसे कबाड़ खाने में बंद कर दिया करता था, फिर भी वो मुझ पर प्यार लुटाता। आदि, तुमने मुझे कभी हंसते देखा है क्या? एक यही है जिसने मुझे हंसाया है। एक बात अच्छे से समझ लो, अगर मैं आज खुद को जिंदा महसूस करता हूं ना, तो वो इसलिए क्योंकि कुटप्पा मेरे साथ है। उसके अलावा आखिर है कौन जो मेरा ख्याल रखेगा? तू रखेगा क्या? अरे तेरे पास तो अपनी माँ की अस्थियों को भी बहाने का वक्त नहीं है बेटा। तो फिर चल, मान लेते हैं कि तू मेरा ख्याल रखेगा, पर कल को किसी वजह से मैं बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गया तो क्या तू मेरा सूसू पॉटी साफ करेगा? तू मेरे साथ होम नर्स लगाकर वापस अपनी नौकरी पर लौट जाएगा, जर्मनी या स्विट्जरलैंड में। आज इतने सालों बाद तुझे अपने पापा से बात करने का ख्याल आया। मैंने कितनी बार तुझसे अपने दिल की बात कहनी चाहिए, अपना सुख दुख बांटना चाहा, चेस खेलना चाहा, पर तूने साथ दिया? कभी नहीं दिया। देख, वो भी मेरे अपने बेटे जैसा ही है, जैसा नहीं बल्कि बेटा ही है। और मैं ये सब तुझे रुलाने के लिए नहीं कह रहा। उसकी जगह तू नहीं ले सकता और तेरी जगह वो नहीं। चल ले खाना खा, चटनी ले, चटनी अब खा। मैं जरा हाथ धोकर आता हूं। सुनना कुटप्पा, चल सोने चलते हैं। अरे अरे, ये तूने क्या किया? पागल औरत। पापा, ये तो मैं। आप ये क्या कर रहे हैं? अरे आदि, इसने क्या किया देखना। आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए। अरे औरत, तूने क्या किया मेरे बच्चे के साथ? बैठ जाइए, इसके पुर्जे अलग कर दिए। शांत हो जाइए। इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है देखना? आप चाहे कितना भी चिल्ला ले, हमें इसे लौटाना तो पड़ेगा। हमें ये सिर्फ ट्रायल के लिए 4 महीने के लिए मिला था, उससे ज्यादा हम इसे नहीं रख सकते और रखना भी नहीं चाहिए। अगर हमने बात नहीं मानी तो वहाँ की सरकार हमें सजा दे सकती है। और तो और पापा, इसके जैसे रोबोट्स ने 4 लोगों की जान ले ली जिनका वो ध्यान रखते थे। पापा, पापा थोड़ा पानी पी लीजिए। पापा प्लीज, पापा
पापा, ये आपके साथ कुछ भी कर सकता है, बात को समझिए। क्या करेगा मेरे साथ, इतना छोटा बच्चा क्या बिगाड़ेगा मेरा। मैं 6 फुट का और ये 2.5 फुट का, ऐसे देखें तो कितने ही बेटे इस दुनिया में अपने बाप को मार डालते हैं, तो क्या लोग बच्चे पैदा करना छोड़ देते हैं। ये सब तेरा भ्रम है बेटा, भ्रम है तेरा। अंकल प्लीज समझिए बात को, ये बस एक मशीन है जिसे रोबोटिक इंजीनियर ने बनाया है, ये हमारी तरह इंसान नहीं है। ऐसा तुम सोचती हो, ऊपर से भगवान अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से हमें इस धरती पर भेजते हैं, जिसे हम नियति कहते हैं और तुम लोग प्रोग्राम कहते हो। ठीक है, कर लो मनमानी। हे भगवान। पापा, अब से मैं आपके साथ रहूंगा 24 घंटे। ठीक है पापा, मैंने फैसला कर लिया, मैं वापस नहीं जाऊंगा, आपके साथ रहूंगा। क्या हुआ मिस्टर सुब्रमणि? आपके दवाई का वक्त हो गया है। मेरे बच्चे, अपना हाथ उठाना जरा, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। दर्द तो नहीं हो रहा है? चला जा मेरे कमरे में, आ जा। अच्छा सुनना बेटा, तू मुझे छोड़कर कभी जाना नहीं। हाँ ठीक है, हम लोग हमेशा एक साथ ही रहेंगे। ठीक है, मैं सुबह तुझे मंदिर लेकर चलूंगा। हाँ ठीक है मिस्टर सुब्रमणि। तुझे कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आदि, ये क्या कर रहे हो? इधर आओ, यहाँ बैठो। तुम इस तरह से क्यों पेश आ रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। हेलो सर। व्हेन आर यू कमिंग बैक विद द रोबोट? वो मेरे पापा रोबोट को छोड़ना नहीं चाह रहे। बट आई विल ट्राई टू कन्विंस हिम। वक्त हाथ से निकल रहा है, शायद तुम सीरियसनेस समझ नहीं रहे हो। लगता है तुम्हें बाप के जान की फिक्र नहीं है। मैंने तुम्हें एक मेल भेजा है, जल्दी देखो उसे। अंकल, पापा, चलो गार्डन में देखते हैं। पापा, मामा, पापा को आपने देखा है क्या? देखा, वो वहाँ भी नहीं है। तुम्हारे पास रोबोट रखे रहना। हाँ, तुम मामा के साथ जाओ, मैं शॉर्टकट से जाऊँ। हाँ, चलो बैठो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। पहाड़ी मंदिर आ गया, चलो उतरो। संभल कर कुटप्पा, तू झुक कर नहीं देख सकता, मेरा हाथ कस के पकड़ना और फिर उतरना। आपका शुक्रिया मिस्टर सुब्रमणि। पता है कुटप्पा, तुझे देख कर मुझे यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने वाले बच्चे याद आ रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं के जैसे दिख रहा है। मैं समझ गया। मिस्टर सुब्रमणि, आदि का कॉल है। मुझे लगा ही था वो लोग हमें जरूर ढूंढेंगे। मत उठा, मत उठा। इनकमिंग कॉल्स डिसेबल्ड। कितनी शांति है इस जगह पर। कोई भी नहीं है यहाँ, अब हमें यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। अकेले हम दोनों ही हैं यहाँ, ऐसी शांति और सुकून,
फिर मिलेगी कहाँ। मिस्टर सुब्रमणी, यस, पवित्रा का वॉइस मैसेज है। क्या पवित्रा का मैसेज है? जी हाँ। रुक रुक रुक, देखने दे, रुक जा, रुक। मैसेज प्ले हो रहा है। क्या बात है सर, मेरे मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया, भूल गए क्या? इतनी आसानी से थोड़ी भूल जाऊंगा, जब तक चिता पे नहीं बैठूंगा भूल नहीं पाऊंगा तुम्हें। अभी मैं बाहर हूँ, कुछ दिनों बाद में मैं तुमसे मिलूंगा। सेंड मैसेज सेंड। मिस्टर सुब्रमणी, मैं आपका फेसबुक डीपी बदल दूँ? आज से सब कुछ तुम्हारे हिसाब से ही होगा। मिस्टर सुब्रमणी, आपने जवानी में पवित्रा से शादी क्यों नहीं की? ये एक लंबी कहानी है कुटप्पा, मैं जब भी उसे देखता था घबरा जाता था, मैं तो उससे कभी बात भी नहीं कर पाया। ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि तुम आए, और गूगल, फेसबुक और सोशल मीडिया की वजह से मैं पवित्रा से चैट कर सकता हूँ। जब हम छोटे थे तो मैं उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता था, और उसे पता भी नहीं चलता था कि मैं उसके पीछे पड़ा हूँ। जब मेरे पिताजी को मेरे इस दिल के मर्ज के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे मेरे मामा के यहाँ भेज दिया। मैंने वहीं पर रहकर पढ़ाई पूरी की, वहाँ कुछ जमीनें थी तो मैंने खेतीबाड़ी शुरू कर दी। जब कुछ सालों बाद मैं अपने घर वापस लौटा तो पता चला कि पवित्रा की शादी हो चुकी है और वो गांव से जा चुकी है। ये सुनकर मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उस टूटे दिल के साथ मैंने काफी लंबे वक्त तक शादी नहीं की, लेकिन मेरे पिताजी ने अपने मरने से पहले मुझसे शादी करने के लिए दबाव डाला। फिर मेरी शादी होने के बाद पवित्रा का ख्याल मेरे मन से कम हो गया, लेकिन उस दिन अचानक जब मैंने उसे अपने गांव में देखा तो मेरे दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गईं और हमारे बचपन की यादें दोबारा ताजा होने लगीं। और तब मुझे समझ में आया कि मैं तो उसे कभी भूल ही नहीं पाया, बस वक्त की धूल ने उसकी चमक को फीका कर दिया था। एक बात बताऊं कुटप्पा, ये जो प्यार होता है ना बेटा, तारे की तरह, भले ही दिन के उजाले में वो ना दिखे पर वो खोते नहीं, रात आते ही फिर से चमकने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हाल दिल का भी है। अभी तू ये नहीं समझेगा, बच्चा है ना। मिस्टर सुब्रमणी, आपकी दवाई का वक्त हो गया है। हाँ, पता नहीं तुझे हर एक चीज इतनी सही तरीके से कैसे याद रहती है, इसीलिए तो मैं तुझे प्यार करता हूँ। ये ले, इसे संभाल कर पकड़। वो सामने जो पहाड़ है तुझे दिख रहा है? जी हाँ। वहाँ जो मंदिर है, हमें वहीं पूजा करनी है, जो तेरी बलाओं को टालने के लिए है, याद है ना पंडित जी ने कहा था? ला दे मुझे। ये लीजिए। मेरी बीवी को पता चल गया था कि अब उसका आखिरी वक्त आने वाला है। पता है उस वक्त वो क्या बोली थी? मैं इस दुनिया से जाऊं उससे पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश सुन लो। उसने कहा था कि मरने के बाद मेरा बेटा मेरी अस्थियों को गंगा नदी में बहाए। आदि से तो नहीं हुआ, तुझमें मेरा दूसरा बेटा दिखता है, तू ही ये करेगा। सुनना बेटा, उस मंदिर के पीछे जो नदी बहती है ना, वो गंगा तो नहीं है, पर इन्हें वहीं पे बहा दे, समझ गया? बैटरी कम हो रही है। अरे अरे, हाँ ये तो कम है। ठीक है, कोई बात नहीं, मंदिर के अंदर ही तुझे चार्ज कर दूंगा, ठीक है ना? चल अब जल्दी चल, मंदिर का दरवाजा ना बंद हो जाए, हर किसी को अपने काम की जल्दी पड़ी है। और उसके बाद कुटप्पा, हम दोनों ना इसी जंगल में ही रहा करेंगे, हमें जीने के लिए जो भी चाहिए सब हमें यहाँ मिल जाएगा। मुझे तो खाना और छत चाहिए, तू तो खाना भी नहीं खाता। अरे तू वहाँ क्यों खड़ा है, आना मेरे साथ। मैं साथ नहीं चल सकता मिस्टर सुब्रमणी। क्यों, उठा लूँ क्या, पैर में दर्द हो रहा है? नहीं। तो फिर बात क्या है? मुझे प्रोग्राम किया गया था सिर्फ आपका ध्यान रखने के लिए, मैं इंसान नहीं हूँ। आपके बेटे ने सही कहा था, हम चाहे भाग सकते हैं या फिर छुप सकते हैं, वो मुझे ट्रैक करके मेरी मेमोरी मिटा देंगे। उसके बाद अगर आप सामने आ भी जाएंगे तो भी आपको नहीं पहचान पाऊंगा, मैं तो बस एक ट्रायल रोबोट हूँ। आपको मुझ पर प्यार नहीं बरसाना चाहिए, मुझे प्यार के बदले प्यार नहीं देना आता, क्योंकि मैं एक मशीन हूँ। आप मुझे यहाँ छोड़कर चले जाइए, मुझे इसलिए बनाया गया ताकि आपके सारे काम आसान कर सकूँ।
लेकिन मैं इंसान की जगह नहीं ले सकता। आप मेरा किसी प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझसे हमदर्दी की उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि उसे आप ही को खतरा होगा, क्योंकि मेरी कुछ पाबंदियां हैं। जिन हस्तियों को आप इतना खास मानते हैं, मेरे लिए वो सिर्फ राख है, फिर वो आपकी ही क्यों ना हो। वाह बेटा, तूने तो मुझे बड़ों की तरह ज्ञान दे दिया। तू है तो बच्चे जैसा, लेकिन कितना समझदार है। मुझे तूने इतने दिनों में क्या क्या सिखा दिया है तू नहीं जानता। आदि तो मुझे तुझसे पहले से ही दूर करना चाहता है, अब तू भी यही चाहता है ना? यानी तू इन अस्थियों को बहाने नहीं जाएगा, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं ही चला जाता हूँ। खुश रहे, मैं जा रहा हूँ। ये पागल की तरह बातें कर रहा है, कैसे मान लूं? अगर तेरे अंदर कोई इमोशंस नहीं है तो तूने अब तक मेरा ख्याल कैसे रखा? अरे मक्कार है तू, एक नंबर का झूठा है, झूठ कह रहा है। तू मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। अरे अरे, ये क्या कर दिया तूने पागल? ए, मेरे बाप के खिलाफ कुछ भी बोल, पर मेरी माँ के खिलाफ बोला ना। अरे, मेरे पापा भी देख रहे राहुल, आप ही तो हैं। पर आप यहाँ क्यों आए? दर से अलग कर दिया बेटा, क्या हो गया देख? ये मेरा बाप है, इसे मैं चलाऊंगा, वरना ये फिर से जिंदा हो जाएगा। रुक जा, चल जा, कुट्टप्पा को मैंने मार दिया। कुट्टप्पा! पापा, क्या वो पापा? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, उसे देखना, वो तड़प रहा है बेटा। पापा, शॉर्ट सर्किट की वजह से वो वाइब्रेट कर रहा है। अरे तू अंधा है क्या? उसे देखना कैसे तड़प रहा है वो। कुटप्पा, अरे पापा, अरे छोड़ से, क्या कर रहा है? उसकी सांसें घिस जाएंगी। अरे छोड़, क्या कर रहा है कुटप्पा? इसका गला क्यों दबा रहा है? छोड़ दे इसे, मैं कर रहा हूँ, छोड़ दे कुटप्पा। अरे मेरी बात सुनना, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, छोड़ दे इसे, छोड़ दे बेटा कुटप्पा, छोड़ दे इसे। आदि, आदि, तू ठीक तो है ना बेटा? इसे माफ कर दे, इसकी तरफ से मैं माफी। क्या कर रहे हैं पापा? बेटा, आदि, आदि, पापा घर चलिए, घर चलिए पापा, इसे यहीं छोड़ दीजिए, बस एक बेजान मशीन, अनाज की तरह पड़ा है बेटा। चलिए पापा, अब घर चलिए। सुकून मिला, तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पकड़ लिया। तो तू है इस सबके पीछे, हाँ? बैठा रहे, उठा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तूने सबके कान काटे, तेरी वजह से सबको कंठोपा पहन के घूमना पड़ता है। तेरा बाप कोई बहुत बड़ा राजा है क्या जो उसका नाम नहीं ले सकते? हाँ, तेरी तो। पापा यहाँ बैठ जाइए। हाँ।
पापा। प्लीज मत चिल्लाइए, मेरा काम है आपका ध्यान रखना। आपके पैर में मोच आई है, प्लीज बाहर मत जाइए। आपकी दवाई का वक्त हो गया है। अगर आप फेसबुक पर सिर्फ मैसेज भेजेंगे तो वो आपको पहचानेगी नहीं, फोटो भेजने पर ही पहचानेगी। पुराने हिंदी रोमांटिक गाने चला रहा हूँ मैं, इमोर्टल हूँ। डब्बा